बच्चे क्या करते क्या रहते हैं यार, मुझे समझ नहीं आता। दिन भर मतलब वक्त कैसे गुजार रहे हैं? गिल्ट नहीं होता एक मन में लगता? नहीं, पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते कि तुम दिन भर क्या कर रहे हो घर पर पड़े पड़े? अरे लॉन्गर टेस्ट का अच्छा जा रहा है ना। टेस्ट तो यार कैसे भी अच्छा चला जाएगा। टेस्ट कैसे अच्छा जा रहा है भगवान जाने। जो डिस्कशन ही अटेंड नहीं कर रहा है वो काहे का टेस्ट अच्छा जा रहा है उसका। चलो आ जाओ फिर मैराथन पेपर पे। क्वेश्चन नंबर वन। पेपर ही नहीं दिख रहा। सर नहीं यार, अभी मैंने शेयर नहीं किया आपने? व्हाइट व्हाइट बोर्ड बोर्ड शेड है, शेयर बोर्ड कर शेयर कर ओके लो। ओके ओके, स्क्रीन शेयर करनी है मुझे। अब बताओ, अब ठीक है? चलो इमिटेट नहीं अच्छा फोटो बज बाय मीटिंग द इरेलेवेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन दैट सी प्लैंक कांस्टेंट फाउंड फ्रॉम। हाँ ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? फॉर्मूला सही वाला सही था। हाँ हो गया लगाना। था सर, ऐसे क्वेश्चन वाला किसी तो को वैल्यू याद हो तो वो तो गलत कर देगा। क्वेश्चन में पूछा ही प्लैंक कांस्टेंट है यार, तो तुम क्यों मान रहे हो कि वो ही सही आएगा जो वाला। था? और हाँ काफी हाँ क्लोज है ना वही सभी वैल्यू, तो ये सी तो पक्का नहीं होगा क्योंकि ये तो बिल्कुल सही है। इसके नहीं बाद जरूरी कुछ नहीं नहीं है। है। ठीक हाँ वो डेटा से भी आया था, हो गया था, है, सॉल्व किया था। हाँ डेटा यूज डेटा से करना है भी हमें, आया, सबको फॉर्मूले सॉल्व वाला करेंगे नहीं। तो सबको ही बॉम्बे आएगा, कुछ अंतर नहीं आने वाला। हाँ कोई इजी दिक्कत था। तो नहीं? नहीं अच्छा तीन तीन डेटा है, तीनों से सेम आ रहा है? पहली बिल्कुल क्वेश्चन सेम में क्यों? लिया था निकाल लिया वो तो तीसरा कंटेंट वाला रिमूव वेरीफाई करता हो तो गया बोनस था। हो जाता तो फर्क नहीं हाँ पड़ता। हाँ बिल्कुल वो सेम आ उसका रहा है, एक ही एवरेज वैल्यू लेना कर पड़ता दिया है था जो भी था। जो नहीं मतलब कायदे से ऐसा होता, तीन डेटा है इससे प्लैंक कांस्टेंट J1 J2 J3, तो J एवरेज की इधर से वैल्यू अंदाजा आती लगा J1 दो। प्लस J2 प्लस J3 बाय 3, ये J हाँ की वैल्यू आती, और प्लस माइनस डिविएशन। और डिविएशन क्या आता? J माइनस J बार मॉड, याद आया? हाँ इन सर सबका माइनस का एवरेज। सर एक्चुअली में दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशन से तो एक ही तो निकलेगा जी। ऐसा है क्या? वो मैंने ध्यान नहीं दिया कि क्या डेटा गिवन है। अगर तीन डेटा गिवन है तो दो की तो जरूरत ही पड़ रही होगी शायद। हाँ 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 दो की हाँ उससे भी ठीक तीन है, कर हाँ दो बन ठीक है, ही तीसरे जाएंगे। से चेक करना था। ओके वैसे कोई नॉट कंट्राडिक्ट क्या कंट्राडिक्ट किया था आपने। नहीं हो रहा है, अच्छी बात है। चलो चलो क्वेश्चन टू, सर क्वेश्चन टू सही को सॉल्व गलत करने सर के लिए ये चाहता हूँ। क्या सर देखते हैं। रिएक्ट वो उसकी वो नहीं दिखी फिगर तो अच्छा एक मिनट देखते हैं। यूनिफॉर्म वुडन स्टिक ऑफ मास 1.6 एंड लेंथ है लेस इन इंक्लाइंड मैनर ऑन अ स्मूथ वर्टिकल वॉल ऑफ हाइट एच। ये रॉड ऐसे रखिए, ठीक है? द स्मॉल पोर्शन एक्सटेंड्स बियॉन्ड द रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल ऑन द स्टिक इज परपेंडिकुलर ऑन अ स्मूथ वर्टिकल। स्मूथ है तो एक ही रिएक्शन आएगा, नॉर्मल रिएक्शन ही रिएक्शन है, ये समझ गए? वॉल हाँ। स्मूथ है, फ्रिक्शन तो है नहीं, अदरवाइज एफ और फ्रिक्शन का इसका रिजल्टेंट रिएक्शन होता है। पक्का समझ गए? तो रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन स्टिक इज परपेंडिकुलर टू द स्टिक, स्टिक मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वॉल एंड बॉटम ऑफ द स्टिक इज ऑन रफ, द रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन स्टिक इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब ये नीचे यहां ये शायद इन्होंने ये एन ही मान लिया, क्या लेके आ रहा है? इन्होंने नहीं गिवन लिखा है है कि एन एन लेके रिएक्शन आ रहा आएगा, है नहीं लिखा है सर कि एन नॉन इक्वल दिए अरे ये कायदे से नॉर्मल यहाँ रिएक्शन तो एन स्क्वायर इक्वल। प्लस एफ स्क्वायर का अंडर रूट होगी ना, हाँ हाँ यही माना था, और ये एन के सर बराबर इसे होगी, लेकिन इससे आंसर नहीं आ रहा है। उससे नहीं कोई आ भी नहीं आ रहा। इससे हाँ इससे फ्रिक्शन जीरो आंसर हो एक गया नहीं है, आ रहा। फ्रिक्शन हाँ जीरो इससे हो जाएगा आंसर ना, एक ये पॉसिबल तो किसका अरे तो क्वेश्चन में लिखा है ना, उनने क्यों लिख दिया ऐसा? रिएक्शन लिखा है ना। मतलब क्वेश्चन यहाँ सर एक नॉर्मल से अजीब रिएक्शन है ना। लिखना चाहिए था, नॉर्मल रिएक्शन हाँ नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि आंसर नॉर्मल रिएक्शन लेने से ही आ रहा है। वो हाँ नॉर्मल से आया था। तो कर लोगे मेरे ख्याल से, ये ओके करो? बाकी तो हाँ चलो चलो बाकी फिर चलो। ठीक सर है। तीन बार सॉल्व किया था, तीनों बार गलत हो गया सर मेरा। तीन बार ऐसे कैसे हो गया यार? अलग अलग गलत हुआ होगा, एक ही गलती नहीं तीन बार हुई? सर अलग बार अलग बार का मैं छोड़ बार दिया बार कुछ ना कुछ नई नई चीज गलती हो जा रही थी मुझसे सर, ऐसा सर, हो तो रहा ये था। बोनस नहीं हुआ इसमें, ऐसा लिखा था। नहीं नहीं, मैंने नहीं। प्रेडिक्ट यही किया था कि बोनस होगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। गलत अरे वैसे क्योंकि जनरली रिएक्शन रिएक्शन दिया होगा तो सिर्फ ये इक्वेशन ही दोनों बना ही मानेंगे लेते, ना। रिएक्शन दिया है तो एन स्क्वायर एफ स्क्वायर का अंडर रूट ही मानेंगे।
ठीक है इस बेस पे पता नहीं कितने क्वेश्चन अदरवाइज गलत कर चुके अदरवाइज हैं। अदरवाइज ये इन्फॉर्मेशन काय को लिख रहे हैं परपेंडिकुलर टू द स्टिक, ये सब वो तो हाँ वैसे ही पता है हमें, स्मूथ दे रखा है वो तो, नॉर्मल रिएक्शन वैसे ही परपेंडिकुलर होती है, अगर रिएक्शन का मतलब एन होता तो इन्फॉर्मेशन क्यों दी इनने। सर सिर्फ इक्वेशन ही बना दीजिए, वो एन और एफ जहां से पास हो रहे हैं उसके अबाउट टॉर्क ये इक्वेशन, बना तो दी लो, ये किसके अबाउट लिख लो टॉर्क, नहीं तो एक बार सर देख लूँ ना कि मेरा तो गलत हो रहा था भाई। एम जी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एन एल कर देना। हाँ ठीक है ये ओके सर, एच है, ठीक है इसके अबाउट टॉर्क ले लो बस, है ना। वैसे पता नहीं कितने ऑप्शन थे, बस ये रिएक्शन जो एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ना लेने से गलत हो जाते हैं, और यहाँ पे नीना ने गलती कर दी। वो क्वेश्चन बनाने में गलती कर दी थी, क्योंकि ये मैंने भी जब पहली बार देखा था ना तो मैं बहुत देर तक सॉल्व किया, आंसर ही नहीं आए, हाँ मैंने तो आंसर शीट में बोनस दे दिया था बच्चों को। अच्छा हाँ सर, सर आपने जो अभी लिखा था ना हाँ उसमें जो आपने टॉर्क जिसका अबाउट लिया था वो हाँ फिर ऊपर वाली लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा छोटी सी? करेगा ना, तो ये लेंथ हाँ भी तो वो उस एक्स लेंथ पे लिया डिपेंड था कर रही है, ये जल्दी लेंथ इसका ही एक्स तो मान के फंक्शन है सॉल्व ना। कर लेंगे आ गया था। हाँ हाँ तो डिपेंड कर रहा है ना, ये लेंथ कैसे निकालोगे टॉर्क के लिए। एच लेस देन एल दिया हुआ है सर, तो उसे हाँ जीरो तो मान लेंगे अप्रोक्सीमेटली। नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, माना उसमें था लिखा है मैंने लेंथ बियॉन्ड चाहिए, है, एक्स ये लेके आगे एच ना है, आराम से ये नहीं एच रखा। है, एक्स मान लेंगे उसको, ये अननोन कुछ भी, अरे थीटा के टर्म में लिख लो, हर चीज को एच के टर्म में लिख लो तो आ ना, जाएगा वही ये टोटल लेंथ है एल चीज। है। अब तो मैं ये लेंथ चाहिए, तो ये हाँ एल माइनस एच माइनस एच कोसेक एक्स थीटा, एच ठीक एच एच को सकते है हैं सही है सही। ठीक है। हाँ हाँ चलो क्वेश्चन थ्री चले, ये बता नहीं आया दीजिए, सर नहीं आया, सुनो नहीं आया। सुनो, क्वेश्चन नंबर थ्री तरह के क्वेश्चन देखने में अजीब से लगते हैं लेकिन कई बार ये मैक्सिमम टाइम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सीधे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, हाँ सर लाइफ भाई, से रिलेटेड हाँ सिस्टम सर, लाइफ भी हो गया मतलब। कि भले हमें समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है लेकिन एनर्जी लॉस और एनर्जी गेन से काम चल जाएगा। हाँ सर उसी वाटर से कूलर कह कैपेसिटी, रहा था हाँ सर, एम एस डेल्टा टी बराबर पी कैन माइनस पी कूल नॉट। वाटर एट कॉन्स्टेंट पावर पी वॉट्स इन अ क्लोज सर्कुलर सिस्टम, ठीक है क्लोज सिस्टम है, द वॉटर फ्रॉम द कूलर इज यूज टू कूल द एक्सटर्नल डिवाइस दैट जनरेट 3 किलोवाट ऑफ हीट, ठीक है द टेम्परेचर ऑफ द वॉटर फेड इन टू द डिवाइस कैन नॉट एक्सीड 30, है ना। तो इसका मतलब जब ये डिवाइस में गया तब ले 30 था, लो है ना, ले लो ले लो, और नहीं आया। इंटायर स्टोर्ड 120 लीटर ऑफ वाटर इज पार्शियली कूल्ड टू 30, इंटायर सिस्टम इज थर्मली द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी फॉर विच डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड फॉर 3 आवर्स। अब पी क्या है यहाँ, कांस्टेंट रेट पी, हाँ जो कूलर का हाँ सर ठीक है, एनर्जी कंजर्व करने में पी एनर्जी कंजर्व करनी है, पावर इनटू टाइम एच। इसकी एनर्जी, और उसका एम एस डेल्टा टी, और प्लस 3 किलोवाट कहाँ है, और हाँ ये वही वो हीट जनरेट हो रही है डिवाइस हाँ में 3 किलोवाट की हीट जनरेट हो रही है ना। प्लस। तो हाँ तो 1 मिनट, ये क्वेश्चन तो सिंपली ये है, ये हमारा कूलर है, इसमें से गर्म आया और इसमें से ठंडा बाहर निकला, ठीक और है गर्म कितने पे गया, 30 पे, 30 हाँ 30 पे जा रहा है, 10 पे आ रहा है, पे जा रहा है और 10 पे वापस आ रहा नहीं है, ठीक ऐसा है नहीं है, 30 मैक्सिमम है बस, मतलब तो मिनिमम के केस में भाई वही तो आएगा, कूलर पी से नहीं कूल कर रहा है और हीटर बढ़ा रहा कहने है। का मतलब यही डिवाइस है का कि टेम्परेचर पी टी मानेंगे सेल्सियस ना, है ना वो, डिवाइस के टेम्परेचर से हमें क्या मतलब, नहीं वाटर फेड इनटू द डिवाइस कैन नॉट एक्सीड, 1 मिनट, फेड इनटू द डिवाइस, फाइनली 30 1 मिनट, हो जा रहा ओल्ड वाले है। हाँ फाइनली फाइनली 30, 30 हाँ हो, तो फाइनल तो इनिशियली लिखा टेन था और सर, 30 तो सही तो लिखा सही था तो मैंने, लिखा तो क्या लिखा था, था। नहीं तो आप ऐसे कह रहे हो ना कि कूलर में 10 डिग्री का हो जाए, कूलर में भी 30 डिग्री का रहेगा पूरे सिस्टम का, ऐसा हो जाना चाहिए। नहीं ऐसा कूलर 30 को 10 कर दे रहा है ना, हाँ पी की ऐसा पावर है, टेकर, नहीं मैं तो नहीं एक वो बात लिखा रहा है नहीं, कि वो पी से मैक्सिमम कम जितना कर रहा है डिवाइस में उसकी, डाल ले मतलब वो 30 डिग्री सेल्सियस है, इस एक्चुअली में ऐसा तो शुरुआत में 10 डिग्री सेल्सियस का है, वो धीरे धीरे हाँ डिवाइस वो से रहा धीरे है, धीरे वो हीट होता हाँ जा धीरे रहा है धीरे 30 दोनों तक पावर पावर की होता है। डिफरेंस की वजह से। हाँ हाँ तो हमें 3 घंटे में बस उसका टेम्परेचर 30 तक ही कराना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन यही है। है हाँ यही हाँ है, तो फाइनली टेम्परेचर 30 हो जाएगा पूरे सिस्टम का, इस हाँ ऐसा पूरे सही है। सिस्टम का, है ना। हाँ हाँ लास्ट में मतलब वो ऐसा है कंजर्व कर वो, दी ठीक है एनर्जीज के यहाँ बाद। से कुछ आ रहा है, यहाँ से हाई टेम्परेचर आ रहा है तो मिक्स हो के इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, सीधी बात है, इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पहले 10 डिग्री सेल्सियस था, बढ़ बढ़ के ये टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसने जितनी पावर दी वो पूरी की पूरी पावर इसमें एब्जॉर्ब हो गई, है हाँ ना, बिल्कुल तो इसने पावर कितनी दी, 3 किलोवाट ऑफ वॉमिटिंग से हो हीट, गया था।
3000 वॉट इंटू 3 घंटे है ना, 3600 ये पावर गेन है, और इसमें से वाटर ने कितनी ली, एम एस डेल्टा टी, ये वाटर ने ली और बची हुई पावर पी इंटू 3 आवर्स। हाँ ये पी इंटू 3 आवर्स कहाँ जाएगी सर? ये एक कूलर लगा है जो खींच रहा है, ऐसे समझो कुछ हीट ये बाहर फेंक रही है, कुछ इसने बाहर फेंकी पी वॉट से, कुछ इसने एब्जॉर्ब कर लिया, यहां से पी नॉट आया, पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू एम एस डी टी बाय डी टी। अब समझ गए? अगर ऐसे ही सॉल्व किया तो गलत आया था। नहीं, इसी से आएगा आंसर, है तो ये सही ऑप्शन से हो जाएगा, बहुत आराम से नेगेटिव आता था, ऐसा कुछ हो रहा था। लाइट अंडरगोज तो वो निकालना पड़ेगा ना, कि अगर उससे अल्फा हैज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि 45 से बड़े पे तो बाहर निकल जाएगा। हाँ, 45 से मिनिमम वैल्यू हमें कितनी, अल्फा की, अल्फा ही की है ना। पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ लाइट अंडरगोस टीआईआर प्रिज्म एट फेस पीआर, ओके पीआर पे टीआईआर करा, तो ये ऐसा बनेगा। अब यहां देख लो, ये वाला एंगल और इस एंगल में रिलेशन, ये एंगल जितना आप बढ़ाओगे ये वाला एंगल उतना बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो अल्फा की एक मिनिमम वैल्यू आएगी जिस पे टी आई आर होगा, उससे बड़े पे पक्का टी आई आर हो जाएगा। तो हमें इस फिगर के लिए सॉल्व करना है। इससे 45 इससे नहीं आ रहा था आंसर, इससे 15 था, इसी से किया था 45 आ रहा था, आंसर 45 एक बार चेक कर लूंगा, सॉरी 15 आ रहा है, एक यही नहीं है रिलेशन, सही है सर, वो r1 - r2 = a नहीं आ रहा, r1 - r2, हां r1 - r2 = a है, ये ऐसा वाला, हाँ, ये लगाया था। अच्छा, R1 माइनस R2, अरे देख लो, R1 लगा दिया अपना, अभी तो मैं कह रहा हूँ ये बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, ओके ओके समझ गए, वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, नहीं तो ये बढ़ाने पे ये घटता ना फिर, समझ गए, वो इसके लिए होता है R1 प्लस R2, इसमें R1 माइनस R2। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, क्वेश्चन एक मिनट, बड़ा क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, सीधा लीकिंग कैपेसिटर जैसा है ना कुछ। हाँ, मैं कई तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इसका, जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड कंडक्टर, ये हमारी क्या थी लाइन चार्ज, इसी की जगह, तो सबसे पहले हम आसान केस देखते हैं कौन सा, ये वाला लास्ट वाला है ना, तो अगर यहाँ पे ये मटेरियल होता कंडक्टिंग, तो इसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया होता और रिलेटिविटी वो जो भी दी होती कंडक्टिविटी सिग्मा, तो होता क्या, ये चार्ज लीक करता है इसमें से। अब ये लीक करता तो हम रेट कैसे निकालते, तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, ये करंट आता, पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाय सी लिख सकते हैं, बाय आर माइनस डी क्यू बाय डी टी होता। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल आसान है, चार्ज किसी भी टाइम पे है ना। अब अगर हमसे सॉलिड स्पीयर पूछा होता तो ऐसे लीक होता, तो अब हम देखते तो इसमें और ग्राउंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये भी कैपेसिटर ही है, इज इक्वल टू वोल्टेज, वोल्टेज आता तो करेंट क्या, करंट आता डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू वी बाय आर, आता क्यू बाय आर सी, आर रेजिस्टेंस वाला है और आर रेजिस्टेंस इंटीग्रेशन से निकलेगा रो एल बाय ए, समझ गया ना, रो एल बाय ए डी एक्स बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये तो रेजिस्टिविटी रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर का एक्स ये आ जाएगा, है ना, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसमें छापोगे फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई, तो पहले ये समझ में आया, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। तो तीसरा भी वही क्वेश्चन है,
कि यहां से चार्ज लीक कर रहा है बाहर की तरफ और ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लेना है। बस हम अब हम दूसरे तरीके से इसको कैसे सोचेंगे, तो हम क्या सोच रहे हैं, ये लाइन चार्ज है लाइज अलोंग एक्सिस ऑफ अ इनफाइनाइट शेल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस आर। द स्पेस इनसाइड द सिलेंडर इज फिल्ड विथ परमिटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रो, द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन फॉलोज ओम्स लॉ। तो इस पे अगर कोई चार्ज होता तो चार्ज हमारा लीक करता, तो यहाँ से किसी भी आर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं, कितनी होगी, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देना, इफ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, जो कि हम जानते हैं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आ गई मतलब करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब पक्का करंट डेंसिटी है, तो J इक्वल टू सिग्मा ई। सही, और J ही dQ by dt है, मतलब एरिया मल्टीप्लाई J into एरिया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये करंट है, करंट को dQ by dt लिख सकते हैं, माइनस लैम्डा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट आर, सही लिखा, एक नेगेटिव, हाँ लगा दिया नेगेटिव, और इसी को लेंथ वेंथ गिवन होगी तो हम लैम्डा एल एल डी लैम्डा बाय डीटी टाइप का लिख सकते हैं। ये आ गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू सम लैम्डा नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाय, अब ये बन जाएगा, अब देखते हैं क्या क्या पूछा ही नहीं, वैसे मैं जबरदस्ती तो निकाल दूंगा, एक्सप्रेशन पूछा है, वो भी चेक तीनों फील कराए, और अगर तुम्हें तुरंत फील हो जाता तो तुरंत डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर सी आ सकता, बिल्कुल, वही तो मैंने समझाया, ये जब से क्या समझा रहा हूँ, चार्ज लिया ये लीक कर गया, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ रही है, अरे सिंपल ये समझो, ये कंडक्टर बॉडी है, अगर मैंने इस पे चार्ज दिया तो क्या होगा, ये चार्ज लीक करेगा ना, यहाँ से दूसरे एंड पे लीक करेगा, इनडायरेक्टली क्वेश्चन यही तो है, इसके चारों तरफ कंडक्टिंग है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस जीरो नहीं है, इनफिनिटी जीरो नहीं है, कुछ फाइनाइट है, तो वो टाइम लग रहा है, और टाइम कितना लगेगा, वो सिर्फ रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी नहीं है, वो कैपेसिटेंस की भी प्रॉपर्टी है, तो जो इसमें करंट फ्लो करेगा वो रेडियली आउटवर्ड्स करेगा, आउटवर्ड, हाँ, सिमेट्री, बिल्कुल, तो इसमें जो हमने एरिया वाला लिखी नहीं थी, जो पाई आर स्क्वायर लिखा था ना वो 2 पाई आर एल आएगी, और वो लैम्डा डी लैम्डा बाय डी टी में भी एक एल आ रहा था, वो एल कट जाएगा, समझ गए, ठीक है ठीक है, एरिया ये आना चाहिए, मैंने गलत लिखा था, इसका मतलब डेल्टा एन की वैल्यू 1 है और एन काफी बड़ा है डेल्टा एन से, मतलब हम डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं, तो आर किस पे डिपेंड करता है, एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है, तो डी आर बाय आर इज इक्वल टू 2 डी एन बाय एन माइनस डी जेड बाय, सर डेल्टा एन वन कैसे, क्या डेल्टा एन वन कैसे आया, जेड गिवन है क्या, जेड फिक्स है क्या, फिक्स नहीं है, जेड पे भी कुछ डिपेंड नहीं, हाईली एक्साइटेड स्टेट एटम्स आल्सो कॉल्ड विद अनदर 2 कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल्स, नहीं एक पर्टिकुलर z की बात चल रही है, नहीं इसको लिखा है डज नॉट डिपेंड ऑन z, पूछा है, हां z भी पूछा था, हां पूछा है, मतलब बना ऐसे लगा कि वो n प्लस
n से n plus 1 में जा रहा है और नहीं सही है। अरे एक किसी z के लिए n से n plus 1 में जा रहा है नहीं z ऊपर नीचे कट जाएगा सर आपने तो पढ़ा है मैं अभी भी कह रहा हूँ डज नॉट डिपेंड ऑन जेड ही है बता रहा हूँ अरे इसमें जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एज्यूमिंग जेड कांस्टेंट क्यों क्योंकि दो कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल है मतलब एक ही जेड की बात चल रही है या जब तुम डेल्टा आर निकालोगे ये आएगा एन स्क्वायर माइनस एन वन का होल स्क्वायर बाय जेड इंटू समथिंग आर से डिवाइड करोगे तो एन स्क्वायर बाय जेड इंटू समथिंग 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 जेड जेड कट जाएगा ठीक है सर लेकिन एक स्टेटमेंट ये भी तो लिखा है कि हाईली एक्साइटेड स्टेट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स तो हाइड्रोजन लाइक एटम तो कुछ भी हो सकता है सर तो कुछ भी हो सकता है लेकिन एक पर्टिकुलर जेड जब दिया है उस जेड के लिए बात कट जाएगा ठीक है थर्ड रिलेटिव चेंज इन एनर्जी ऑफ टू ऑर्बिटल एनर्जी किस पे होती है 1/n² ये भी 1/n पे डिपेंड करेगी वैल्यू तो इसमें डेरिवेटिव की फील कैसे है कि डेरिवेटिव ही लगेगा इससे इससे वैसे ही रिलेटिव है ना नहीं नहीं करो ना डेरिवेटिव से कौन बोल रहा है तुम डेरिवेटिव से मत करो ना आर एन प्लस वन माइनस आर एन बाय आर एन ये तो लिखते हाँ अब ई एन प्लस वन माइनस ई एन बाय एन लिखते तो भी ये लिखते तो 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन प्लस वन का होल स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन वन अपॉन एन स्क्वायर ये 13.6 जेड वेट सब लिखना फालतू है हर जगह आएगा समझ कैसे वो बाइनोमियल लगते इसके बाद अब तो बाइनोमियल लगाते ना बात वही हमारे पास ठीक है ठीक है क्लियर क्लियर सर मैं डेल्टा एन जो था वो ऑप्शंस को देख के लिखा था नहीं डेल्टा एन तो 1 है ना टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल्स टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल्स हां तो ये n है ये n प्लस 1 ठीक चलो क्वेश्चन नंबर 7 शायद मुश्किल होगा वो तो अंदाज लगाना स्लोप से देख लिया था कि क्यू पे स्लोप मैक्सिमम है बट हां वही ये नहीं पता सकते कि स्लोप जीरो है तो आगरा से देख के स्लोप तो चेक कर सकते हो स्लोप जीरो है कि नहीं यहीं पे चेक हां हां मैं तो ये इंफिनिटी मान लिया जीरो है क्यू पे भी जीरो है आर पे भी जीरो लेकिन ऐसे इनफाइनाइट फंक्शंस हो सकते हैं हो सकते हैं ना तो इसीलिए उन्होंने वैल्यू थोड़ी पूछी है लगभग पूछा कौन सा होगा क्वेश्चन नहीं चला बताता हूं दो लाउड स्पीकर आर लोकेटेड 20 मीटर अपार्ट एक लाउड स्पीकर ये है एक लाउड स्पीकर ये है 20 मीटर अपार्ट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 118 हर्ट्ज और 121 हर्ट्ज कार इज इनिशियली एट पॉइंट पी 1800 मीटर अवे फ्रॉम मिड पॉइंट क्यू ऑन द लाइन एम एन ठीक है ये एम एन लाइन है ना एंड मूव्स टुवर्ड्स क्यू ये क्यू मिड पॉइंट है ठीक है अब देखो अ कार इज इनिशियली एट पॉइंट पी 1800 मीटर अवे फ्रॉम मिड पॉइंट क्यू ऑफ द लाइन एम एन एंड मूव्स टुवर्ड्स क्यू विद कांस्टेंट अब ये इधर है कि इधर लेफ्ट साइड में पी लेफ्ट साइड में आर राइट साइड में कैसे कहीं लिखा है ऐसा ऊपर हाँ, टुवर्ड्स क्यू लिखा है ऊपर नीचे ऊपर से आ रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 60 किलोमीटर अलोंग द परपेंडिकुलर थर्ड लाइन ओके थर्ड लाइन तक मैं पहुंचे नहीं moves towards q constantly at 60 meter along the perpendicular bisector mn okay idhar theek hai it crosses q and eventually reaches point r achhi 1800 meter from q to 1800 idhar hai 1800 se 1800 idhar theek hai let vt represents beat frequency heard by the person sitting in the car at time t vp vq vr beat frequency measured at pqr the speed etc okay ठीक है तो किसी भी समय मतलब सिंपली क्वेश्चन ये हो गया कि दो सोर्सेस हैं इनके बीच का डिस्टेंस डी गिवन है ये एक्स है अब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी जो हमने सुनी वो देख ली है तो
तो ये अगर थीटा है इसकी वेलोसिटी वी नॉट है, सिर्फ इसी के पास वेलोसिटी है और तो किसी के पास वेलोसिटी है नहीं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी एफ वन, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ टू, तो ये कितना सुनेगा एफ वन इंटू ऑब्जर्वर, तो वी नॉट कॉस थीटा प्लस थीटा, समझ गए, प्लस सी अपॉन सी ये, और ये आएगा एफ टू वी नॉट कॉस थीटा प्लस सी अपॉन सी, तो बीट फ्रीक्वेंसी आएगी एफ वन माइनस एफ टू, ये मॉड इनटू इनका डिफरेंस इनटू ये कॉमन आ गया वी नॉट कॉस थीटा बाय सी प्लस वन, और कॉस थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसका मतलब ये ग्राफ बना वी नॉट बाय सी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट प्लस वन का, क्योंकि एफ वन माइनस एफ टू तो कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है। यस, अब ये x के साथ इस वाले फंक्शन का हम ग्राफ बना सकते हैं, तो बना सकते, समझ गए, इन्फिनिटी पे वैल्यू वन होगी, जीरो पे वैल्यू जीरो होगी, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, शायद x पे मॉड है, नहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ x नेगेटिव की तरह काम करेगा, बाद में फंक्शन मॉड नहीं रहेगा ना, नहीं यही रहेगा, x में माइनस x रखेंगे, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, इसको वन ऊपर उठाएंगे ऐसा कुछ बनेगा, समझ गए, लेकिन पहले वैल्यू हमारी बड़ी आ रही है बाद में छोटी आ रही है, तो ग्राफ हम बनाएंगे, आ गया समझ में, यहाँ ये वैल्यू हमारी f1 माइनस f2 है, यहाँ f1 माइनस f2 से बड़ी है, यहाँ टाइम के साथ कैसे जाएगा, अरे x इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो जो x का ग्राफ है वही टाइम का ग्राफ है, आगे फंक्शन समझ में, सर सर, हाँ, इसमें ये Q in MN की लाइन जॉइनिंग पे कैसे पता चला कि यहीं पे है? तो थर्ड लाइन से, उसमें ये नहीं लिखा कि वो उसी पे, उसमें ये लिखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग कहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग मूव कर रहा है ये लिखा है, हाँ, तो ये कैसे पता चला कि Q वहीं पे, जब मूव ही इसके अलोंग कर रहा है तो उसी लाइन पे होगा ना, उधर लिखा हुआ मिड पॉइंट क्यू लिखा हुआ है, लिखा तो है 1800 मीटर अवे फ्रॉम मिड पॉइंट क्यू, क्यू से 1800 मीटर अवे है, ठीक है ठीक है, अब ये अवे तीन अवे हो सकते थे, लेकिन कहा है मूव ऐसे कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां तक मुझे भी नहीं पता चला था, जब वो अगली लाइन पढ़ी तब पता चला, एग्जाम में गलती हो गई थी मेरे से, हां VP प्लस VR 2VQ ये डायरेक्ट दिख रहा है बिना सॉल्व किए, हां सिमेट्री है, एक में जुड़ेगा एक में घटेगा और सेम चीज घटेगी क्योंकि दोनों 1800 पे हैं, आगरा द रेट ऑफ चेंज ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम When car passes through Q, सही है slope? और the plot represents Chennai. Yes. Yes sir. हाँ, ये मैं direct भी कह सकता था कि ये graph ऐसे ही बनेगा, क्यों? क्यों? देखो बिना solve किए कैसे कह सकता हूँ? क्योंकि जब ये infinite away होगा, तो इस समय cos theta tending to zero होगा, और cos theta zero की neighborhood में constant होता है. इसका मतलब बदलाव जीरो होगा, मतलब यहां थोड़ा सा मूव करने पे अंतर समझ में नहीं आएगा, यहां अंतर ज्यादा समझ में आएगा, बना के दिखाओ, कोशिश करो, ये अप्रोचेस काम आती है काफी एग्जाम में, यहां हम इतना मूव किए और इतना ही यहां मूव किए सेम डिस्टेंस, तो यहां जो थीटा में चेंज दिख रहा है और यहां जो थीटा में चेंज दिख रहा है काफी कम है, यहां बड़ा चेंज है, तो यहां जो बीट में चेंज आएगा और यहां जो बीट में चेंज आएगा ये लार्ज चेंज होगा, और सबसे बड़ा चेंज यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ एंगल में चेंज सबसे बड़ा दिखेगा, तो इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ रही थी सॉल्व करने की, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखो पहले बात तो ये नॉर्मल इस बल्ब की बात हो रही है, Has a filament of tungsten, ये filament है, तो इस filament को मैं simply एक wire से replace कर दे रहा हूँ, ये जिसमें current flow हो रहा है, अब देखते हैं, passing the hot filament emits black body radiation, ठीक है, तो energy T पे power को, break up at random location after a sufficiently long time due to non-uniform evaporation, तो non-uniform evaporation है, तो कहीं पतला हो गया,
कहीं थिकनेस ठीक ठाक रही, ऐसा है। और ऐसा तभी हो सकता है जब इसकी प्रॉपर्टी ही नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कहीं ज्यादा गर्म हो रहा हो कहीं कम गर्म हो रहा हो। अब देखते हैं इसका मतलब खुद में ही डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। चलो अब आते हैं हम क्या है, तो जहां तेजी से वेपरेट हो गया वहां टेम्परेचर अलग था, दूसरी जगह टेम्परेचर अलग था। तो अब देखते हैं क्या पूछा है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ये तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ओवर अ स्मॉल सेक्शन डिक्रीज इन द टाइम। यूनिफॉर्म लिखा है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म, मैंने नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म है, आगे गलत हो गया। रेजिस्टेंस ओवर स्मॉल सेक्शन ऑफ फिलामेंट डिक्रीजेस, नहीं ये तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। द फिलामेंट इमिट्स मोर लाइट एट हायर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिफोर इट ब्रेक्स अप, सही है। तो लैम्डा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर बढ़ेगा लैम्डा गिरेगा, क्लियर। तो चेन्नई सही है। फिलामेंट कंज्यूम्स लेस पावर, तो देखो रेजिस्टेंस बढ़ गया क्योंकि थिन हो गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो पावर वी स्क्वायर बाय आर, पावर घट गई क्योंकि होम सप्लाई है, वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो पावर घट गई। चेन्नई सर, वो इसको चेन्नई वाले को ऐसे बोल सकते थे ना कि वो एनर्जी ज्यादा बढ़ गई, इसलिए एनर्जी नहीं, वो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, एनर्जी की नहीं बात की है उन्होंने, नहीं एनर्जी बढ़ गई तो एयर आयनाइज ज्यादा होगी ये कह रहे हैं, तो एयर आयनाइज ज्यादा होगी तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं जितनी ज्यादा आयनाइज होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसीज ऑब्टेन नहीं होंगी। अरे यार ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाले की बात चल रही है। अच्छा ओके, ये और एयर तो मेंशन है, कहीं तो यूज करोगे इस चीज को यार, कहीं यूज नहीं करोगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर इसमें बिफोर इट ब्रेक्स अप का क्या अपने जब 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 टूट गया होगा, कब, जब पूरा मेल्ट हो गया होगा, कंस्टेंट हो गया होगा, जब टेम्परेचर हाईएस्ट होगा, मतलब टेम्परेचर समय के साथ बढ़ ही रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, ये अलग बात है। देखो क्यों, क्योंकि पावर कम हो रही है तो टेम्परेचर की रेट कम हो रही है, लेकिन बढ़ तो रहा है ना अभी। ठीक है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ऐसा नहीं हो सकता था कि Since non uniform evaporation है, तो area इसका मतलब जो length या thickness है वो non uniform हो, but temperature uniformly distributed हो। कैसे हो सकता है? Temperature non uniform है, तभी तो ये रायता फैला। अगर हर जगह temperature एक सा होता, area एक सा एक सा होता, तो evaporation का rate क्यों different होता? Evaporation का rate sigma ये a पे भी depend करता है ना? Sigma ये two to the power four. Sigma ये t to the power four में तो a पे भी depend करता है ना power? क्यों? अरे तो एवेपोरेशन में भी एरिया आगे आएगा, उसमें भी दोनों एरिया कट नहीं जाएंगे? एवेपोरेशन में भी एरिया आगे आएगा। ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। चिल्ले चिल्ले आखिरकार एक आया आसान सा। क्वेश्चन 10। चिल्ले 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 क्या आसान था? अरे इसी में ही बहुत टाइम लगता था। 11 ट्रायंगुलर लूप इज इन काउंट। देखो इससे हमें दूसरे पे निकालना है, तो ये तो हमसे नहीं निकलेगा, उल्टा तो निकाल सकते हैं, लेंथ के कंपोनेंट्स ले सकते हैं इसमें, इंटीग्रेशन से निकलेगा शायद, देखते हैं अभी। हाँ इंटीग्रेशन से आएगा। कंडक्टिंग लूप इन अ शेप ऑफ राइट इज कैप्ड एट 90 डिग्री, द वायर इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, द करंट इन ट्रायंगुलर लूप इज इंक्रीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ तो सिंपली हम उल्टा करेंगे, इसमें करंट मानेंगे और इसका निकालेंगे, तो फ्लक्स तो सेम आएगा, तो d∅/dt भी सेम आएगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस से निकाल लेंगे, तो इसका उसमें कर दो, तो ये ईएमएफ हमारा सेम आएगा, तो इसमें भेज के हम इसका आंसर इंटीग्रेशन से निकाल लें, ये निकालना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं कर सकते। लेंथ के कंपोनेंट्स लेना क्यों गलत है? अरे बी वेरिएबल है, कैसे ले लोगे? वेरिएबल में करंट कंपोनेंट लेने गए, मतलब मैं ट्रायंगल से उसका निकालने की जैसे वो गलत होगा। ठीक है ट्रायंगल से तो निकाल ही नहीं पाओगे, कितना गलत बनेगा है ना।
सर करंट तो ट्रायंगल क्योंकि तुम एक लाइन से फ्लक्स कैसे निकालोगे लाइन से फ्लक्स रियलिटी ये है कि ये पता है यहाँ से ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी से गई ये बताया था फ्लक्स निकालना है अब तुम नीचे भी मान लो न्यूमेरिकली तो आंसर बराबर आएगा है ना वो कैसे निकालोगे यार इसका हर पॉइंट पे पागल हो जाएंगे हम लेकिन हम इसमें करंट भेज के इसका निकाल सकते हैं यहाँ से ये मान ले तो ये x ले ले ये 2x है तो राइट एंगल ट्रायंगल है वो तो थीटा अच्छा है ना ये y2 तो 2x dx mu 0 upon 4 pi 2 i by x ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 से 0 टू e x से x कटा 4 से 4 कटा mu 0 i by pi e ये आया फ्लक्स तो d phi by dt आया mu 0 a by pi d i by dt सही d i by dt तो वायर का है ना तो di by dt कितना है 10 नहीं सर वो तो उसका दिया है ट्रायंगल अरे ये जब से बात क्या चल रही है म्यूचुअल इंडक्टेंस का लॉजिक यूज कर रहे हैं हम सेम होता है हम वायर से a का b पे निकालो या b का a पे सेम आता है तो हम ये नहीं निकाल पा रहे थे तो हमने वायर पे करंट मान के इस पे निकाल लिया मतलब हम वायर पे मान ले कि 10 एम्पीयर पर सेकंड से इंक्रीज कर रहा है हां हां और इस पे निकाल लो सेम आंसर आएगा मतलब अच्छा di/dt दोनों के लिए सेम रहेगा कोई फर्क नहीं आएगा अरे जब करंट ही हमने उसको दे दिया तो उसका डेरिवेटिव भी तो दे दिया होगा अच्छा ठीक है चलो तो पहला अब कर लोगे बाकी मेरे ख्याल से बॉम्बे बाकी तो पहला ये फिर भी चलो और अगला भी देख लेते हैं लूप इज रोटेटेड एट कांस्टेंट ओमेगा अबाउट द वायर फर्क नहीं पड़ेगा कांस्टेंट ओमेगा से घूमने पे क्यों फर्क पड़ेगा इसमें हो क्या रहा होगा निकाल क्या चेंज नहीं होगा होंगे नहीं फर्क पड़ेगा फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा घुमा दो इसको घुमा के देखो सिमेट्री है सेम फ्लक्स आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो कांस्टेंट ओमेगा इसलिए ठीक है पर लेकिन अगर अल्फा होता उसके पास तो भी फर्क नहीं पड़ेगा काइंड ऑफ सुपरपोजिशन लगा लो इसका अलग असर निकाल लो उसका अलग निकाल लो एक बार करंट कांस्टेंट मान लो एक बार ओमेगा वेरिएबल ले लो तो फर्क फ्लक्स ही चेंज नहीं हुआ ना सही है ना फ्लक्स तो चेंज हो वही है क्योंकि बस वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में घूम रहा है तो हां मतलब सिमेट्री है हर जगह फ्लक्स एक सा है हां नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे फर्क नहीं पड़ जाएगा क्यों फर्क पड़ेगा तब ये सही है नहीं अरे मतलब वो डेरिवेटिव में ले तो लिया डीआई बाय डीटी में कितनी बार लोगे एक ही चीज ये ऐसी फील्ड लाइन है अब तुम कहीं भी रखो क्या फर्क पड़ता है हमेशा थीटा कांस्टेंट ही रहेगा तो सिमेट्री और वो टी में ले चुके हैं हम करंट का वेरिएशन कैसा है दो बार नहीं लेंगे और सर एक बस एक लास्ट सवाल और सर आपने तो हमें ये सिखाया था कि एक मिनट ये बताओ अगर हम फ्लक्स का कैलकुलेशन करते तो तुम्हें थीटा की जरूरत पड़ती क्या नहीं पड़ती बिल्कुल नहीं पड़ती जब फ्लक्स में थीटा की जरूरत नहीं पड़ी तो ईएमएफ कैसे थीटा पर डिपेंड कर गया जब थीटा ही का रोल नहीं है तो उसके डेरिवेटिव का रोल कहां से आ जाएगा सर आपने हमें ये सिखाया था कि उसका फ्लक्स इस पर और इसका फ्लक्स उस पर सेम होगा मतलब ये सिखाया था तो ये सिखाया था कि अगर ए का बी पे निकालना हो तो ए में करंट दिया है बी पे फ्लक्स निकालना है और बी में करंट दिया है ए पे फ्लक्स निकालना है सेम आएगा तो फिर ये कहां खाता है कि करंट क्या बोलते हैं या करंट का चेंज एक पे एक दूसरे अरे यार जब करंट ही हमने इसको दे दिया तो डेरिवेटिव नहीं दे दिया होगा हमने तो फ्लक्स दिया है ना सुनो तुम पहले बेसिक ठीक कर लो यार फिर ये एडवांस के पेपर लगाओ यार दिया नहीं ऐसे अज्यूम करते हैं क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होता है ठीक है सर ए पे करंट दे के बी का निकालो या बी पे वही करंट दे के ए का निकालो फ्लक्स सेम आएगा ठीक है एम इनटू आई नहीं हां एम इनटू आई वही उसमें लास्ट पार्ट से इसका डेली ऑप्शन एक बार ये 11th का देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन वायर एंड लूप देखो ये करंट आई है तो इसकी फील्ड लाइन बनाओ कैसी होगी क्रॉस हां या सिंपल सी बात है और दिमाग लगा लेंज लॉ सीधे लगा दो करंट बढ़ रहा है हां तो फ्लक्स कम करना चाहेगा तो दूर भागेगा हो गया खत्म अभी भी हम वायर पर करंट देके चीजों को फील कर रहे हैं क्यों
अरे वो तो जब सब कुछ ही सेम आएगा ना, सब कुछ ही सेम, ठीक है तो तुम ऐसे भी कर लो, बात तो एक ही है यार, दूर जाना पड़ेगा इससे, क्योंकि ये करंट बढ़ रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इसको दूर जाना पड़ेगा, तब जाके वो उसका इफेक्ट कम होगा। हाँ बात एक ही पड़ेगी वो कैलकुलेशन, ठीक है समझ गए। सर एक बार नाइन्थ क्वेश्चन पे आएंगे, नाइन्थ क्वेश्चन में दो केसेस बन गए। चला चला, अरे यार ये वही छोड़ा था तुमने, वही करवा लिया मुझसे। चलो when a small object is placed 30 cm away in front of curved surface of lens, क्या दिक्कत है इसमें? इसमें दो केसेस बनेंगे ना, क्योंकि डबल साइज की इमेज है तो एक आगे एक पीछे, मतलब एक वर्चुअल है एक रियल। प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एक ही बनेगी। ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो वर्चुअल हो ही नहीं सकता। एक बार रिफ्रैक्शन इज मेड ऑफ अ व्हेन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट तो रियल है, इमेज डबल इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स सर, ये कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर अवे इन फ्रंट ऑफ कर्व सरफेस, इसके दो आंसर आएंगे कि ये ऐसे भी हो सकता है और इसका एक ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। इमेज ऑफ डबल इन साइज, तो ठीक है दो हो सकते हैं। अब ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस अनदर फेंट इमेज इज ऑब्जर्व एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, हाँ रिफ्लेक्शन है ना कर्व से इसलिए एक ही बनता है। अब अगर ये होता है ना, इसका तो एक ही केस बनेगा, तो इसी से रेडियस मिल जाएगी, रेडियस आ गई 15, तो वो कन्वर्ट करते हैं बस, बाकी तो चलो बस ये पूछ रहा था कि दो केस बनेंगे 15, डाइवर्जेंस 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 बढ़ गया 30 15, रेडियस 15 ही हो सकती है ना। अब इससे हमें निकालना है, तो इसमें केस या तो ये कैसा होगा, 60 इधर होगा या 60 इधर होगा, तो ये 15 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बिल्कुल शायद दो आंसर हो सकते हैं, लेकिन शायद एक ही सैटिस्फाई करेगा, नेगेटिव आई थी एक से, हाँ क्योंकि एक से कंट्राडिक्शन हो जाएगा है ना, क्योंकि इसकी रेडियस है 15, इसी से करके देखो ना, 1/30 1/u प्लस 1/v, अगर हमने प्लस 60 लिया तो म्यू माइनस 1/r ये, और एक बार हमने माइनस 60 लिया म्यू माइनस 1/r, ठीक है, तो पहले से म्यू माइनस 1/15 इज इक्वल टू माइनस 1/60, तो म्यू की वैल्यू नेगेटिव आई, नीचे पॉजिटिव है, ठीक है। क्वेश्चन 13 हो गया, चलो इंटीजर इसके आसान थे, लेकिन इंटीजर वैसे आज तक मैंने जब पूरा अभी तक का मेरा जो एनालिसिस है, इंटीजर हमेशा आसान रहे, इंटीजर कभी कठिन नहीं, डेसिमल आ गए तब से बेकार हो गए थे, नहीं लेकिन क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन थोड़ी ना गंदा थे, आसान है क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन आसान के कैलकुलेशन अच्छे हैं तो बन ही जाएगा। पहला बहुत ही सिंपल है, पावर इज प्रोपोर्शनल टू सी टू द पावर 4, बस इसमें टेंपरेचर डिफरेंस नहीं दे रही है, वो तो टेंपरेचर केल्विन 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 में लेंगे तो वो 1/4 टाइम्स हो, हां तभी तो डेटा इमिट करने वाला, नेट पावर लॉस नहीं पूछिए, पावर रेडिएटेड रेडिएटेड सिग्मा ए टी टू दी पावर 4 लॉस ये है, ये लॉस है, अच्छा ठीक है ठीक है, और ये रेडिएटेड है, समझ गया ना, रेडिएटेड में सिर्फ उसका असर आएगा खुद का, हाँ ठीक है ठीक है समझ गया, ठीक है हाँ, तो दिमाग में ही हो जाएगा, क्या तरह से पीट आया था, इसमें 273 जोड़ो, इसमें 273 जोड़ो, ये कितना आना, 750 3000 चार गुना, तो पावर 16 गुना, तो चार आ गया आंसर, क्या टेम्परेचर नहीं, चार टेम्परेचर कितने गुना आया, चार गुना है ना, टी और फोर की पावर 4 हो गई ना, तो वो 2 की पावर 8, हाँ तो 4 की पावर 4, तो 2 की पावर 8, यस 8 आया ना, 9 के लिए एक इनिशियल, एक है माइनस 1 इक्वल्स टू, एक इनिशियल भी है 2 टाइम,
इनिशियल वो पी जो वो 2p इनिशियली p नॉट भी 2p है हाँ एक माइनस वन टाइप का भी बना था उसमें टर्म वो ऐड हो गया था फाइनली ओके एक मिनट देख लेता हूँ मेटल इज द स्केल दैट डिस्प्लेस पी बाय पी नॉट क्या है पी नॉट कांस्टेंट निकाल लेंगे ये जो पी नॉट तक का जब 437 हम पी नॉट के टर्म्स में निकाल लेंगे नहीं नहीं वो तो ठीक है द व्हेन द मेटल सरफेस इज एट द सेंसर ओके इन्होंने ये कहा है ना पी नॉट की वैल्यू 2 है हां 1 है हां इसमें जो इस समय जो पावर दे रहा है वो 2p नॉट है समझ गए तभी तो ये लॉग की वैल्यू बनाई ठीक है समझ गया ओके आ गया क्या 2 टू द पावर 8 2p नॉट एक 2 और आएगा यस सर क्वेश्चन 15 इसका 9 तो आ गया था 8 पता नहीं क्यों बोले कार्बन 12 मानना था ना कि उसका 12 ग्राम होता है एग्जैक्ट हाँ कार्बन 12 का तो एग्जैक्ट 12 ग्राम होता है हाँ वही चीज यूज हो रही थी इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल है क्यू वैल्यू में से एक्साइटेशन एनर्जी घटा दो एनर्जी ऑफ गामा और एनर्जी ऑफ बीटा न्यूट्रिनो सब होगी तो मैक्सिमम कितनी होगी जब ये इसके बराबर होगा बीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्यू माइनस बस यही था तो 0.01931 माइनस 4 इसमें जिसका मास नहीं दिया तो उसका नहीं मानना होता ना मतलब उसका मास नंबर यूज कर सकते हैं ना किसका मास जैसे कार्बन 12 जैसे अरे कार्बन से डिफाइन किया गया है 12 amu अच्छा एक मिनट सॉरी हां रजनीश नहीं सर इसमें 829 क्यों दिया 9 ही आ रहा है क्या 9 ही बन रहा था नहीं नहीं कुछ और बन रहा होगा एग्जैक्ट एग्जैक्ट 9 था क्यों 126 आपने 931.5 देना था क्या 931.5 इलेक्ट्रॉन का असर 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का असर तो नहीं आ रहा है इसमें बीटा प्लस तो नहीं निकल रहा कितना चेंज आएगा सर से भी 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 का एरर आ जाएगा हां उन्होंने दिया नहीं कि बीटा माइनस है कि बीटा प्लस है बीटा माइनस या बीटा प्लस नहीं दिया भाई भाई बीटा माइनस ले लोगे तो हमारा ये आंसर सही है बीटा प्लस ले लोगे तो 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की एरर आएगी तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की एरर आ जाएगी लेकिन कुछ नहीं लिखा होता तो अपन वैसे बीटा माइनस ही मानते हैं भाई अरे वो बाद में कोई चैट गया होगा ये सही है चलो 16 17 18 चल चल ले 18 ही थे क्या हां 1 सेकंड तो लास्ट वाला ओरल पेपर अच्छा है तभी तक का सबसे अच्छा पेपर अच्छा पेपर 2 बहुत अच्छा था चलो 18 बोलो 18 ये वाला 18 2 इंडक्टर L1 एंड रेजिस्टेंस L2 ठीक है मतलब सॉल्व कर लो सीरीज में चल गया वो इसमें उसकी जरूरत क्या थी 2 मिली हेनरी इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम रेजिस्टेंस R 12 ओम ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल 5 ओम ये तो बड़ा सिंपल सा नहीं है भाई तो स्टेडी स्टेट और वाला स्टेट फंक्शन क्यों बनेंगे रे ओपन और क्लोज मत फंक्शन चलो पेपर 2 पेपर 2 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पहला इतना घबरा गए चल सब बहुत गंदा क्वेश्चन सर बहुत दिल्ली आ गया दिल्ली आ गया पहले के छोड़ दिया था छोड़ के पहले था पहली बार दिस इज इक्वल टू डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी तो अब ये मास घटाते फिरो क्या है ये वही तो और मास भी मैच नहीं करता अच्छी जुगाड़ देखियो कि ना सर आंसर कितने क्लोज दिए ऐसा कौन देता काफी मेहनत लगी थी बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी क्लोज आंसर तीन ही की मेहनत छोड़ दिया वैसे भी नहीं आया क्योंकि अपन को बाइंडिंग एनर्जी दोनों की निकालनी पड़ेगी उनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा
उसको फिर से इक्वेट करो ई से डिफरेंस ही उनके पता नहीं ये डिस्कस मत करो तो बाइंडिंग एनर्जी तो फॉर्मूले से बन जाएगा मास ऑफ ओ 815 माइनस 8 मास ऑफ मल्टीप्लाई नहीं होगा 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन अरे अभी कहां अभी तो ये लिख रहा हूं ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी है सी स्क्वायर वाली इनटू 15 7 n माइनस 7 मास ऑफ प्रोटॉन 8 मास ऑफ न्यूट्रॉन ये बना 15 15 है ना दोनों की तो मास ऑफ ऑक्सीजन माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है उसके पास तो प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन ये बनी तो ये किसी रिएक्शन का पार्ट था सर इसमें ये मतलब आपने सीधे लिख दो उसका किसी रिएक्शन का पार्ट था लेकिन क्यों कहां लिखा मतलब ऐसा था नाइट्रोजन तो था और शायद ऑक्सीजन जो था वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट रहा था क्यों ऐसा लिखा तो नहीं थी वो आंसर उसी से आ रहा है मेजर्ड मासेस ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जेड प्रोटॉन हाइड्रोजन दे रखा तो समझ आ रहा था होना चाहिए निकाला वो ठीक है पर मैं कह रहा हूँ ऊपर हाइड्रोजन भी दिया था ना उसका इसलिए ये तो प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन का मास ये प्रोटॉन है वो ठीक है ये मुझे कैलकुलेशन बड़े गंदे लगते हैं यहाँ क्योंकि लिखना पड़ता है ये डायरेक्ट करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं सर 931 से जब मल्टीप्लाई करना है ना तो फिर अप्रोक्स कर देंगे तो फिर आंसर गलत आ रहा है ऐसा है क्या हां कैलकुलेटर किया था पेपर में नहीं पता नहीं ये बना अब इसको 931 से मल्टीप्लाई भी करना है बर्बाद हो जाएंगे इसमें तो इसमें अप्रोक्स आप तो कांसेप्ट बता दीजिए कैलकुलेशन कर लेंगे तो 10 पर 6 कैलकुलेशन में बता दो कैसे करेंगे इसको फिर 1.44 से डिवाइड भी करना है तो वो सॉल्व ही नहीं करके देखते रिवर वाले पुल मजे लेंगे है क्या है अत्यारा क्वेश्चन ये करना है इतना गंदा और आंसर भी देख रहे हो कितने क्लोज हैं भाई तो और पहला क्वेश्चन सर पेपर का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जेड अरे ये तो इसका भी डेल्टा है ये क्यों ऐसे कौन करता है सॉलिड स्फीयर की एनर्जी होती है ना तो उन्होंने कहा कि इसको मान लो प्रोटॉन से मिलके बना है ना प्रोटॉन की एनर्जी जो जेड इंटू जेड की जगह जेड इंटू जेड माइनस वन लिख लो क्योंकि खुद खुद के साथ इंटरेक्ट करेगा नहीं ये तो मैंने वजह बताई कि इन्होंने कहा चलो ऐसे मान लो तो ये हमने लिखी सॉलिड न्यूक्लियस की एनर्जी ये न्यूक्लियस की एनर्जी है अब देखो इनिशियली प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब दूर दूर थे तो यहां प्रोटॉन्स की एनर्जी कितनी थी जीरो अब जब हमने चिपका दिए तो प्रोटॉन पास पास आ गए तो इनके पास एनर्जी आ गई तो अगर प्रोटॉन के पास एनर्जी आई है तो कोई ना कोई एनर्जी तो गई होगी किसी ना किसी एनर्जी का लॉस तो वो लॉस कौन सा है मास तो प्रोटॉन को पास लाने में हमने मास का लॉस किया तो जो ये फैक्टर आया है ये मास डिफेक्ट से भी यही फैक्टर आना चाहिए ये है ओके है ना ठीक है जो आपने लिखा था ना सर वो न्यूट्रॉन वगैरह का मैंने उसका मास निकले के मार दिया तो भी आंसर अप्रोक्स 3.4 आ गया यहां क्या है रेडियस दोनों की सेम आएगी क्यों क्योंकि रेडियस वो a पे 1/3 वाला फॉर्मूले से ये दोनों का सेम है समझ गया ना z और z-1 एक बार z की वैल्यू 8 ले लो
सॉरी एक बार जेड की वैल्यू सात ले लो तो 8 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 6 और ये छाप दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई स्क्वायर और वो न्यूमेरिकली जो हमने निकाला था उसके बराबर हमने ई स्क्वायर को रख दिया ऐसे कैलकुलेशन अच्छी बन रही थी जल्दी तो नहीं बनी थी फिर भी आंसर नहीं आया वो 931 से ये मल्टीप्लाई करने खराब होता है वो परसेंटेज से करोगे ना तो हो जाएगा सर वो 9 से कट गया था तो वो 103 टाइप का बन गया था तो फिर उसको है ना 100 मान के दूसरे नंबर को थोड़ा सा ये आंसर तो आया था ही तो मैंने सॉल्व किया था आंसर तो आंसर तो आ जाएगा आंसर तो आ गया ये बात किया था तो आ गया नहीं है ना तो आएगा एग्जैक्टली यही आ रहा था एग्जैक्टली हां भाई एप्रोक्सीमेशन नहीं लें कहीं पर भी तो आंसर तो मुझे याद है सही इससे गामा निकल आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए तीन गामा तो दे रखा ठीक है मोनोटोमिक कंसीडर द ब्रिंग्स फ्रॉम सिस्टम फ्रॉम इनिशियल टू वाया आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इन द सिस्टम ये इसका हीट पूछा है बस यस सर एनसीपीटेंटिटी एनसीपीटेड सर नीचे प्रेशर गिरेगा टी इसका एनसीपी डेल्टा टी तो आराम से वैसे इजी था बट कैलकुलेशन थोड़ी थी तब प्रेशर गिरेगा नहीं एक्सपेंशन के वक्त दो स्टेप में कर रहे हैं ना अरे तो ये यहाँ आइसोबारिक है फिर आइसोकोरिक भाई तो नहीं मैं कहने का मतलब ही कांस्टेंट भी लेंगे ना करेंगे ना कौन किसने मना किया नहीं गिरे यहाँ से प्रेशर कांस्टेंट फिर गिरेगा मेरे कहने का मतलब थोड़ा सा गिर के फिर प्रेशर कांस्टेंट हो ऐसे कहना है मेरा ये रिवर्स पहले रिवर्सिबल कर V1 से कांस्टेंट गया ये V1 V2 और यहाँ से रिवर्सिबल का था ठीक है क्योंकि इसको इसको हम लिखेंगे कितना 5/2 P1V2 माइनस P1V1 ये इसका आंसर आ गया इसका 3/2 इनटू P2V2 माइनस P1V2 नहीं वो तो ठीक है सर लेकिन मेरा अपना मानना गलत क्यों है मतलब बिल्कुल गलत है फिजिक्स एक ऐसी स्टैटिक प्रोसेस होती है हमेशा मतलब नॉन ने कहीं लिखा नहीं है मतलब फास्ट है तो हम लोग क्वेसी स्टैटिक ही मान के चले कहां लिखा फास्ट कौन किस में लिखा है फास्ट हां लिखा नहीं है तो वही पूछ रहा हूं मतलब हमने क्वेसी स्टैटिक मानना है ना हमेशा ही मानना है लिखा है चलो क्वेश्चन 4 हो गया इंटीग्रेशन इसका जस्ट डबल आ रहा था मेरा आंसर डबल चेन नहीं आ रहा था एवरेज हो गया था नहीं करा होगा एक्जेक्ट करना पड़ेगा एवरेज लेना पड़ेगा लीनियर है एवरेज भी आता है बहुत आराम से एवरेज है 2 एंड क्यू एंड आर क्यू एंड आर ऑफ क्यू एंड आर और 2 थिन वायर्स पी क्यू आर शोल्डर टुगेदर और क्यू और आर शोल्डर की है सर ठीक है हाँ तो कोई दिक्कत नहीं क्यू और आर शोल्डर की है हमने ये पी ये एस इनिशियली ईच ऑफ द वायर हैज लेंथ 1 मीटर नाउ एंड पी इज मेंटेन्ड एट 10 एंड एस इज मेंटेन्ड एट 400 द सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग थर्मल कंडक्टर इज ट्वाइस कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर पी क्यू ठीक है तो इसका टेम्परेचर हमें चाहिए पड़ेगा तो रेजिस्टेंस के लिए मुझे आइडेंटिकल लिखा होना चाहिए ना कहीं कुछ तो थर्मल बायस तो आइडेंटिकल है बस कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी और PQ इज ट्वाइस 2K और K तो 290 डिग्री का डिफरेंस है ना नहीं 390 डिग्री का डिफरेंस 130 का डिफरेंस यहां आएगा 140 डिग्री ये होगा ठीक है यही किया था अब यहाँ टेम्परेचर लीनियरली बढ़ रहा है लीनियरली चेंज हो रहा है विद एवरेज टेम्परेचर मान लिया था इसका मतलब अब टेम्परेचर बदल रहा है तो या तो एवरेज टेम्परेचर लो एमएस डेल्टा टी वाले सॉरी डेल्टा एल बाय अल्फा डेल्टा टी या इंटीग्रेशन से करो बनेगा क्योंकि ये एक्स पे ये डीएक्स जब आप लोगे
तो इस dx में जो चेंज आएगा वो l अल्फा डेल्टा t t माइनस t नॉट और dx अल्फा t माइनस t नॉट की वैल्यू 10 है और t की वैल्यू कितनी होगी तो t1 plus t2 by 40 माइनस t by x लीनियर वेरिएशन इज इक्वल टू 140 माइनस 10 by 1 तो ये लीनियर आया मतलब एवरेज से काम चल जाएगा तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा एवरेज अल्फा डेल्टा टी एवरेज ठीक है एल नॉट की वैल्यू 1 अल्फा गिवन है टेम्परेचर इनिशियली कितना है डेल्टा टी का एवरेज है ना डेल्टा टी का एवरेज है ना तो एक जगह 0 है एक जगह 130 है ठीक है अल्फा कितना दे रखा है 1.2 into 10 to minus 5 78 बनेगा हाँ 78 क्वेश्चन 5 टेक्निकली रॉन्ग है क्वेश्चन कैसे कैसे कर लिया तुम लोगों ने वो हो गया आंसर याद था कि बड़ी जल्दी से भी नहीं हो पाया सर ये हां वही आई नहीं रहा था अब इतने एंगल के लिए मान तो नहीं सकते लेकिन फिर भी अगर मानना ही है तो फिर हम इसको ऐसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मानेंगे cos थीटा ले लिया ऐसे ही मान लिया था सर ये यूनिट का मान करेगा लेकिन आंसर उससे भी एग्जैक्ट मैच कर नहीं रहा है एग्जैक्ट नहीं आएगा अप्रोक्स आएगा छोड़ दिया था इसको मतलब छोड़ने के लिए था मैंने भी छोड़ दिया अंडर रूट के अंदर अंडर रूट आ गया था मेरा वो अप्रोक्स मैच करता है सर कंपोनेंट एक्चुअली बता रहा हूं आईआईटी वालों ने गलत कांसेप्ट का क्वेश्चन बना दिया है कांसेप्ट वो ये 30 डिग्री वाला नहीं वो तो ठीक है पैरेक्सियल भूल गए वो शायद ऐसे सोच रहे थे कि हम प्लेन मिरर पे अगर ऑब्जेक्ट इधर है इमेज इधर है तो अगर हम पूरे मिरर को टिल्ट कर दें तो ऑब्जेक्ट और इमेज भी टिल्ट हो जाएगी पर ऐसा होता थोड़ी है ना नहीं इंसिडेंट रे थोड़ी मिल जाएगी स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे थोड़ी मिल जाएगी आर चेंज हो गया ना तो फिर वो ऑब्जेक्ट कहीं और हो गया हां तो गलत स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की तरह होगा कुछ वही सोच रहे थे कि ऑब्जेक्ट टिल्ट हो जाएगा अपने वो उसके रिस्पेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में पैरेक्सियल एप्रोक्सीमेशन भी नहीं लगता वैसे ही देखो इमेज बनेगी नहीं जब पैरेक्सियल एप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा सर वैसे ये देख लिया था कि रिफ्लेक्शन के बाद किस लाइन के अलोंग आ सकती है तो चिन्ह नहीं लगा दिया था नहीं रफ आ रहा है सर नहीं मतलब 50 वाले से स्ट्रेट लाइन एक जा मतलब स्ट्रेट में एक इंसिडेंट रे आ रही होगी थीटा से इक्वल एंगल बनाएगी तो y = √3 x समथिंग पे कि ऐसे कर रहे हो मीट करेंगे कि एक रे ऐसे गई और जो यहां से आई ऐसे कुछ कर रहे हो मतलब 0.0 मतलब x एक्सिस के अलोंग वाली ठीक है तुमने ये माना कि ये यहां से ऐसे मतलब ये रे तो ठीक है ये ऐसे पहला ये फर्स्ट हाफ तो ये जो पोल से निकल रही है अब हम ये भूल गए अब हम वापस से आए कि रेज यहां से आ रही है ऐसे सभी रेज ऐसे टकरा रही है ऐसे ही सोचा था जो लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होगी उसके y = √3x समथिंग के अलोंग लाइन के आएगी हां हां ये ऐसे ना क्योंकि ये वाली लाइन ऐसे जाएगी हां रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी तो इमेज इसी लाइन पे लाई करेगी हां उससे चैनल डर आ रहा था हां तो यही तो कांसेप्ट गलत है क्योंकि ये आईआईटी वालों ने यही तो लगाया कि इमेज इसी लाइन पे लाई करेगी और समझ गया और उसी डिस्टेंस को ऐसे रोटेट कर दिया क्लियर इमेज नहीं बनेगी लेकिन क्लियर इमेज नहीं बनेगी ब्लर्ड बनेगा वहां तो कंपोनेंट करके लेना गलत था क्योंकि चेन्नई दिल्ली दोनों सेम लग रहे हां भाई दिल्ली तो अलग है ना दिल्ली तो 125 है दिल्ली तो घुमा क्यों दिया हां सर ये घुमा दिया घुमा मतलब तो प्लेन में रहता घूम ये पहली इमेज समझ में आई ये इधर का हाँ, हम उस रे की बात कर रहे हैं जो रे सीधी गई होती ऐसे जाती बस ये वो रे ऐसी जाती पक्का इमेज इसी पे कहीं ना कहीं होगी हाँ, एक ही ऑप्शन तो इस पे सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं दिल्ली भी है दिल्ली 125
50 पे है ना वो ये कौन सी बात है अपॉन रूट 3 अपॉन कहां है ये दोनों कैसे सेम है अरे कांस्टेंट का भी तो आएगा ना अरे 50 पे है वो 50 को ओरिजिन मान लिया ना हां हां तो 50 को ओके कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्होंने दे रखा था क्या ये नहीं है ओरिजिन तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे इसका स्लोप कितना 60 डिग्री है शायद तो y इज इक्वल टू रूट 3 x माइनस 50 ये बना इसको सेटिस्फाई x से ज्यादा कर रहे हैं टेंडेंटली कर रहे थे x की वैल्यू 125 बाय 3 माइनस 50 गलत बात है ही मानते कहां है वो गलती इसको वैसे अप्रोक्सीमेट नहीं किया था करीबन लाइक 40 से तो अब भी है 40 से तो अब नहीं होगा वो डिस्टेंस 25 है अगर मैं मतलब कंपोनेंट भी मान लूं 30 डिग्री का तो भी इतना ज्यादा एरर नहीं होने वाला ये लेंथ कितनी थी ये 25 इसकी रेडियस 25 100 फोकल लेंथ 50 तो 25 का कन्वर्जेंस 50 डिस्टेंस अगर हम सीधे सीधे मान लें अगर इसी को तो 50 के कंपोनेंट ले डाले इन्होंने ऐसे है ना 50 का ये कंपोनेंट देखो ये लेंथ 50 मानी इसके कंपोनेंट ले लो ये 25 ये 25 रूट 3 तो इनके आंसर मैच कर रहे हैं क्या किया मतलब आंसर इनका कैसे मैच कर गया कि ये रे हमने ली इस रे को इधर भेज दिए अब इस रे पे हमें यही तो देखना है कहां मिलेगा तो हमने ये लेंथ कहां 25 पे मीट कर रही थी तो यू की वैल्यू 25 ली तो सॉल्व करने पे यू की वैल्यू 25 cos थीटा आएगा ना वो सब भूल गए वो सब नहीं एथलेक्स की वैल्यू 50 समझ गए सब कुछ ध्यान नहीं आप कर रहे मतलब इन्होंने क्या वो जो मैं कह रहा था ना उन्होंने रोटेट कर दिया देखो बता रहा हूं क्या किया ये यहां है ये 25 पे इसकी इमेज यहां 50 बनती अब इस पूरे फिगर को रोटेट कर दो उन्होंने कहा ये फिगर रोटेट कर दिया तो ये 50 रोटेट होके इधर आ गया बिल्कुल एग्जैक्टली प्लेन मिरर रिज्यूम करके प्लेन मिरर रिज्यूम करके उनने इसको रोटेट कर दिया जो कि गलत है नहीं कर सकते और जस्टिफिकेशन क्या सोच रहे होंगे वो कि इसके नेबरहुड में प्लेन ही तो है लेकिन प्लेन मिरर के लिए सिर्फ पहला डेरिवेटिव चेक नहीं करना है आपको अगला भी चेक करना होता है समझ गया ना पहले डेरिवेटिव से प्लेन मिरर लगेगा लेकिन अगला डेरिवेटिव उसको गलत कर देगा हो जाती है कभी बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें गलती मान गए देखो आईआईटी वाले ये तुमने कभी नहीं देखा होगा उनने ये माना हो कि हमने क्वेश्चन गलत बनाया वो ये कभी नहीं मानते क्योंकि इसमें मानना पड़ता कि हमने क्वेश्चन गलत बनाया रिएक्शन वाला नहीं करा वो कभी नहीं मानते जयकांत सीख रहे हो आप ये बता दीजिए कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करेगी वो उनकी यहाँ गलती कम होने के चांस नहीं सुनो ऐसी इसकी प्रोबेबिलिटी ना के बहुत कम होते हैं ये एक ही पेपर आया सुनो गलती तो देखो हम भी बनाते हैं ना पूरा पेपर एक आप तो गलत हो ही जाता है कुछ कितना भी कर ले तो गलती तो रोक ही नहीं सकते वो लक फैक्टर हमेशा है सबके साथ चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गए चले दूसरी वाली देख ली थी वो डॉट कहां पे है क्या तो जीरो देख लिया था कि वो 0.5 से पीछे है तो उससे पहले आंसर आ गया ओके हां ऑप्शन में सॉल्व नहीं करना पड़ा मैचिंग लाइन से पीछे जाना है सबसे बढ़िया ये चलो अगला क्वेश्चन चलो छोड़ो इधर देखो पहले मैं क्वेश्चन दूसरा करा रहा हूं क्वेश्चन अगर होता सिंपली ऐसे ये अगर ऐसे घूम रहा होता ओमेगा 1 से है ना खुद के अबाउट ऑब्वियसली ओमेगा 2 से घूमेगा हां इसकी रेडियस r ये लेंथ l हमें इनमें आपस में रिलेशन चाहिए था ओमेगा 2 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं इसकी स्पीड दो तरीके से निकाल लो
हाँ ये ऐसे घूम रहा होगा बिल्कुल, स्पीड की वैल्यू ओमेगा वन एल होगी बिल्कुल बिल्कुल, और ये वाला पॉइंट आईसीआर की कंडीशन लगा है तो वी माइनस ओमेगा टू आर इक्वल टू जीरो बिल्कुल सही, ओमेगा वन ओमेगा टू में रिलेशन मिल गया। इस दौरान एंगुलर मोमेंटम, इस दौरान एंगुलर मोमेंटम इसका बदल रहा है, तो अगर डी एल वेक्टर बाय डी टी पूछा होता तो ये आता हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा टू इंटू ओमेगा वन, समझ में आया डायरेक्शन ऊपर रेट ऑफ चेंज उसी के अक्रॉस, याद आया कुछ? एक सेकंड वेक्टर कांस्टेंट रेट से घूम रहा है तो डी ए बाय डी टी ओमेगा क्रॉस होता, याद आया? एल वेक्टर, इस क्वेश्चन से मत सोचो, ये तो मत नया क्वेश्चन मान के चलो, बस मैं याद दिला रहा हूँ, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं? अब ये क्वेश्चन ज्यादा आसान था क्योंकि ओमेगा टू ही तो है, ओके टू नहीं लिखा मैं, नहीं ओमेगा टू का स्क्वायर लिखा है, अरे वो टू ऊपर लिख दिया मैंने, अच्छा ओके चलो यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब जैसे हमसे पूछा होता बताओ इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम वही फॉर्मूला लगाते हाफ एम वी सी एम स्क्वायर हाफ आई ओमेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास ओमेगा वन एल का होल स्क्वायर, क्लियर? और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास वाला हाफ एम आर स्क्वायर और सेंटर ऑफ मास की अबाउट ओमेगा टू होल स्क्वायर, क्लियर? क्लियर बिल्कुल। हाँ बेसिकली हम क्या रोलिंग का कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, मेन चीज इसमें यही थी है ना, बाकी फॉर्मूले थे। तो अब मैं हम आते हैं वापस अपने ओरिजिनल क्वेश्चन, बस इसमें क्या किया थोड़ा सा इसको घुमा दिया, घुमाने से रायता थोड़ा सा ये फैल गया कि ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इस इंस्टेंट पे इसकी ये वाली एक्सिस ऐसी है, इस रॉड के घूमने की टेंडेंसी सोचो, हाँ, कुछ ऐसी, ऐसी कुछ हो गई है तो एक्सिस भी ये थोड़ा सा, हाँ है ना, एक्सिस भी घूम रहा है तो ये एक्सिस भी रोटेट कर रही है इसकी, अब हम देख है ना, तो अब हमें रोलिंग की कंडीशन लगानी है, तो इसके अबाउट अगर मैं ओमेगा नॉट है ना, ठीक है, अब ये ओमेगा और ये ओमेगा कुछ और आएंगे, हाँ बिल्कुल, और वैसे मैं कह सकता हूँ ओमेगा नॉट का कॉस थीटा ही ओमेगा नॉट डैश, सही बात है बिल्कुल, यस सर। फिलहाल हमसे जो पूछा है हम सीधे उस पर फोकस करते हैं, अबाउट जेड एक्सिस पूछा है इसके अबाउट, तो इसके अबाउट अगर मैं ओमेगा मानू तो इस पॉइंट की वेलोसिटी मैं लिख सकता हूँ कितनी आएगी, आप देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ असेंबली रोटेट्स अबाउट जेड एक्सिस With angular velocity omega by phi, ठीक है, तो rolling वाले की condition ये है ना, तो rolling का point ये है, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इसमें यहाँ से अगर लेते हैं ये omega dash, omega not ले लेता हूँ है ना, तो omega not into L ये इसकी velocity आएगी center of mass की, और ये वेलोसिटी हम स्मॉल ओमेगा इनटू ए भी लिख सकते थे, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू स्मॉल ओमेगा इनटू ए बाय एल, ठीक है, लेकिन हमें निकालना है ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट कॉस थीटा, तो ओमेगा ए बाय एल कॉस थीटा, और वो थीटा और ये थीटा ये है, और एल बाय कॉस थीटा ही फाइव ए है, हाँ
इसको ओमेगा डैश लिखेंगे। डायरेक्टली एल के कंपोनेंट नहीं लिखा, ठीक है? ये था अप्रोच क्वेश्चन को, क्योंकि इसके पास जो इसके एक्स ऐसा है, इसके दो कंपोनेंट है, एक इधर है एक इधर, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल। एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो कंजर्व रहेगा ना? एंगुलर मोमेंटम अभी कहां निकाला, अभी तो हमने सिर्फ एक ही चीज निकाली है। नहीं नहीं, जो आपने पहले जो लिखा था उसमें पूछ रहा हूं, मैग्नीट्यूड तो रहेगा किसमें, पिछले में मैग्नीट्यूड कंजर्व्ड है ना। चलो ये पहली चीज समझ में आई, ठीक है? बस इसमें क्या सोचना था कि पिछले क्वेश्चन जैसी एनालॉजी बनानी है तो आपको ये एक्सेस चाहिए, ये, ऐसे। इसकी जरूरत नहीं पड़ रही थी, ये चाहिए, तो ये पिछले क्वेश्चन जैसी एनालॉजी हो जाएगी। सर ये आंसर वैसे देखे जाए तो ओमेगा डैश बराबर ओमेगा नॉट कॉस थीटा भी आ गया, और डायरेक्टली अगर इतना सॉल्विंग करते हैं क्या, मतलब कि एक तरीके से ओमेगा नॉट जो है उसका कंपोनेंट ले लिया हमने ओमेगा डैश के ऊपर, तो वो ओमेगा डैश क्या है, हमने दो तरीके से ओमेगा निकाला, मतलब वेलोसिटी निकाली और फिर उसको इक्वेट किया। अरे वो तो हमने रोलिंग की कंडीशन लगाई है, रोलिंग की कंडीशन लगाई बार। इस पॉइंट के अबाउट रोलिंग का कंस्ट्रेंट नहीं लगाओगे, लेकिन दिक्कत ये थी कि इस पॉइंट के अबाउट रोलिंग का कंस्ट्रेंट लगाने के लिए हमें इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस वाले ओमेगा से निकलती। हाँ। तो हमने वी की वैल्यू ओमेगा नॉट इंटू एल लिखी, और यहां हम तो ओमेगा नॉट इंटू एल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ये रोलिंग कंस्ट्रेंट है, लेकिन इसमें दिक्कत आई कि हमारा तो ओमेगा नॉट ओमेगा ए बाय एल निकल आया, ठीक है, लेकिन हमसे ये ओमेगा नॉट नहीं पूछा था, हमसे ओमेगा डैश पूछा था, तो हमने इसका कॉस थीटा लिखा डैश। ओके सर, ओवरऑल बस ये समझो कि ये जो वेलोसिटी है ये इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो ये जो रोटेशन वाला केस बनेगा ऐसा कुछ बनेगा ना, क्योंकि देखो एक्चुअल इस पॉइंट की एक्चुअल वेलोसिटी जरा सोचो, आर वेक्टर इधर, आर क्रॉस वी के डायरेक्शन में एक्स ओमेगा होगा, बिल्कुल, तो ओमेगा नेट तो ये है ना। हाँ। क्योंकि डाउट ये भी उठता है कि ओमेगा नॉट का कंपोनेंट ओमेगा है, मतलब किसका कंपोनेंट कौन है, तो कैसे पता चला, हमने ये प्लेन ढूंढा R वेक्टर और V वेक्टर का प्लेन, सेंटर ऑफ मास के लिए सोच रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास किस ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, तो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर ये मिलेगा, ये ओमेगा नेट है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये ओमेगा नेट का कॉस थीटा है, क्योंकि दिक्कत ये होती है कि इनटू कॉस थीटा कि अपॉन कॉस थीटा है। तो हमने सोचा कि नेट कौन सा है, ठीक है सर, है ना, वो प्लेन से सोचा, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये प्लेन से सोचा, इसका ये प्लेन बनाओ और ये प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, आ गया समझ में? आ गया सर। चलो सर, अगर उस पॉइंट को सीधा जॉइन कर देते तो उसके परपेंडिकुलर नहीं रहती वेलोसिटी, किसके, ये जो पॉइंट है सेंटर स्मॉल रिंग का, उसे सीधा जॉइन कर दें एक्सिस। हाँ, फिर हम क्या करते, फिर हमें ये पॉइंट ढूंढना पड़ता, ये ढूंढते, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा कि इस पॉइंट को करने से आई जाएगा वो आंसर, क्योंकि हम तो इसके पहिए के रोलिंग के लिए सॉल्व कर रहे हैं। हाँ। है ना सर, ये वाला तरीका यूनिवर्सल है कि ओमेगा नेट निकालने की, हम वो ट्रेन रोलिंग पे रोलिंग चल रही है, ओमेगा नेट निकाल लो, वो तो हम यूनिवर्सल तरीका ये है कि रोलिंग की वेलोसिटी जीरो है ना। हाँ, ये तो है ही सर, लेकिन ऐसे वेक्टर निकालने की, वो जो तुम कह रहे हो, बच्चा जो कह रहा था, विशाल कह रहे थे तुम, वो शायद ऐसा है कि अगर एक पहिया और लगा दो, हाँ,
एक पहिया और लगा दें तो ये पहिया भी रोल करते हुए लुढ़क रहा होगा, एक तिरछा पहिया, तो फिर हम इसके लिए सोल्व करते और इसका रोलिंग ही आती, अब इसके लिए यही परपेंडिकुलर आ जाता है ना, लेकिन अब ये लेंथ बदल जाती है ना, ठीक है, तो आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर सेम। चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ असेंबली अबाउट पॉइंट ओ, ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए, है ना, तो ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, ओ के अबाउट ही चाहिए ना मोमेंटम ऑफ सेंटर, ये तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास की चाहिए, तो ये तो बहुत आसान है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लो, ये लेंथ एल सेंटर ऑफ मास, ये एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस, इससे चूंकि परपेंडिकुलर है तो एंगुलर मोमेंटम सीधे आ जाएगा एम भी सेंटर ऑफ मास इनटू आर, आर क्या है एल सेंटर ऑफ मास, और परपेंडिकुलर है तो सीधे सीधे आ जाएगा, ठीक है, अबाउट जेड एक्सिस पूछा होता तो कंपोनेंट निकालते, अबाउट जेड एक्सिस तो नहीं लिखा ना, अबाउट पॉइंट ओ लिखा, ये आंसर आ गया, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ये ओमेगा डैश, क्या है था ओमेगा नॉट, इससे निकाल लो ओमेगा नॉट एल सेंटर ऑफ मास इनटू एल सेंटर ऑफ मास एम टोटल, ये आएगा, ठीक है, आई ओमेगा नहीं देंगे क्या, हाँ सर, नहीं सिर्फ सेंटर ऑफ मास को पॉइंट मास का पूछा है, सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट मास का, पॉइंट मास का क्या, हां ठीक है, सही बात, ठीक है, कितना बड़ा थोड़ी आ जाएगा आंसर, कितना बड़ा भी है, तो बॉम्बे है क्या आंसर, नहीं है ना, नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली, अब ये टोटल पूछा है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूछा है, तो सीधे आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा, ये तो ये आ जाएगा सीधे, ओके, तो आई सेंटर ऑफ मास दोनों डिस्क का निकाल लो खाली, हाफ एम वन आर वन स्क्वायर, हाफ एम टू आर टू स्क्वायर, और जो ओमेगा दे रखा है उसका मल्टीप्लाई कर दो, इसके अबाउट तो ओमेगा ही है, ओमेगा वही होगा ना तिरछा एक्सिस के अबाउट, हाँ ये वाला जो खुद का, एक्चुअली क्या है इसमें क्वेश्चन में डाउट क्या है, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो पूछा है लेकिन एक्सिस नहीं भी, तो इस एक्स अगर हम ये वाली एक्सिस लें तब जाके आंसर सही, हां वही तो उसके अबाउट लेने परपेंडिकुलर वाली के, इससे एमवीआर भी आएगा ना, नहीं इस एक्सिस में तो एमवीआर वाला टर्म जीरो नहीं हो जाएगा, तो आंसर कुछ और आता ना, ठीक है, इसीलिए आंसर चेन्नई दिया है और नहीं भी दिया है ना, हाँ खुद की एक्सिस के अबाउट निकाला है हमने, चलो क्वेश्चन नंबर 8, सो टफ क्वेश्चन, क्या क्या 7th वाला टफ क्वेश्चन था या नहीं था, गंदा था बिल्कुल टफ क्वेश्चन था, बना नहीं था, हां चले गया, अच्छा इसे दिमाग का एयर से वाला खेल भी था उस बैच, चले क्वेश्चन नंबर 8 चले, एयर से हो रहा था, चले सर ये जो 7th वाले में आपने पहले वाले के लिए सेंटर ऑफ मास के लिए ओमेगा बाय 5 वाले के लिए आपने बताया था कि व्हील्स को सीधा करके सोच लो, हाँ. वो जो ये मैंने बोला नहीं बोला ऐसा सोचने के लिए, ये रिस्की काम है, ले मैंने तो सीधे ये बोला कि ये एक्सेस लो और इसके अबाउट करो, वो बच्चे ने सोचा था तो मैंने ये बताया था कि कैसे आंसर आ गया, मैंने तो ये कहा नेट ओमेगा ढूंढो और इससे सॉल्व करो, ठीक है, मतलब वो नहीं, हाँ ठीक है, हाँ, ये अप्रोच बेहतर, तो पता नहीं चलेगा कब हम सही कर रहे हैं कब गलत होगा, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, तो अब आ जाते 9 पे, जैसे कि अगर हम परसेंटेज एरर निकालते हैं तो डेल्टा आर बाय आर निकाल रहे हैं और आर के हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो गिवन है क्वेश्चन में उससे ज्यादा आ रहे हैं, तो आर को पहले कन्वर्ट करो, लास्ट में सिग्निफिकेंट फिगर लगाओ, बीच में नहीं, पूरे कैलकुलेशन परसेंटेज में कैसे लगेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, फिर तो परसेंटेज में कुछ नहीं लगे, परसेंटेज में तो हम अंदाज लगाते हैं कि कितना परसेंटेज एरर अलाउड है, सर इसमें 9th वाले में एक डाउट, देखो इसमें 10% की एरर है, हां हां ये देखिए है ना,
तो अब 10% तो कम से कम 10% की तो आएगी एरर सॉल्व करने पे। अब हाफ लगा हो तो भले आधी हो जाए। आर एंड आर आर मेजर्ड द फर्स्ट फाइव सक्सेसिव टाइम पीरियड, ये तो टाइम पीरियड की वैल्यू निकाली हमने, टाइम पीरियड में कितनी एरर आ गई भाई, तो एवरेज लेके करना पड़ेगा, टाइम पीरियड का एवरेज लेके करेंगे है ना। तो 52, 56, 57 का 0.556 अभी बताया भी था तुमने है ना, प्लस माइनस। अब ये हमें देखना पड़ेगा कितनी एरर है। वो तो लीस्ट काउंट है, हमें वो देखना पड़ेगा इसमें डिविएशन किस ऑर्डर का है, इसमें किस ऑर्डर का, ये भी तो देखना पड़ेगा। सीधे हमारी एरर तो लीस्ट काउंट अपॉन ये एवरेज वैल्यू आ जाएगी नहीं? वही क्या था, उसे ट्वाइस का आ रहा है। लीस्ट काउंट अपॉन एवरेज वैल्यू मतलब एक वो वाली एरर होती है जो एवरेज लेने की वजह से आती है। हाँ, वो एवरेज लेने की वजह से जो एरर आएगी वो हमें देखनी पड़ेगी किस ऑर्डर की है, शायद वो इसी ऑर्डर की होगी इसलिए फर्क पड़ा नहीं होगा। दोनों चीजें क्यों दे दी, नहीं देनी थी? यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड, क्योंकि ये दिया है। अब हमें वो एवरेज वाली भी एरर देखनी है कि ये सॉल्व करने पे कितना बना है, 0.556 प्लस माइनस ये कितनी वैल्यू बनी है, और उसमें प्लस माइनस 0.01 उसमें भी 0.01 का प्लस माइनस ऐसा कुछ बन रहा है, मतलब इनमें जो भी बड़ा जो भी लार्जर होगा। अच्छा लार्जर होगा सर, इसमें ये डाउट था, ये दोनों क्यों दे दिए लेकिन? हाँ सर, इसमें जो अपन डेल्टा ऑफ आर माइनस आर लिखेंगे तो डेल्टा ऑफ आर प्लस डेल्टा ऑफ स्मॉल आर लिखेंगे है ना। हाँ तो 0.01 प्लस 0.01 ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ सर, लेकिन जब अपन ने एक दो साल वो 2014 का पेपर था उसमें सर्विस मेथड का एक क्वेश्चन था। हाँ. उसमें अपन ने कुछ रीडिंग्स निकाली थी दो वर्नियर स्केल से, तो उसमें हाँ. अपन ने जो डेल्टा ऑफ एल माइनस एल था वो अपन ने लीस्ट काउंट ही लिख दिया था उसका, उसमें दो बार नहीं लिया था अपन ने, डेल्टा एल बाय एल लीस्ट काउंट ही लिख दिया था सर। एक क्वेश्चन था 2014 एडवांस का, हां हां अपन ने डिस्कस किया था। हाँ, तो उसमें सर्व मेथड का क्वेश्चन था, उसमें दो रीडिंग्स निकाली थी अपन ने दो वेट मेजर करके। हां L1 L2 निकालनी होगी। हां हां सर, जो अपन ने d ऑफ L1 माइनस L2 था। हां सर, उसको अपन ने लीस्ट काउंट लिख दिया था, उसको 2 इनटू लीस्ट काउंट होना चाहिए ना फिर वो भी। क्यों? एक हमने स्क्रू गेज से निकाली थी एक मीटर स्केल से, तो स्क्रू गेज का तो असर ही खत्म हो गया। उसमें एक स्क्रू गेज से निकाली थी एक मीटर स्केल से निकाली होगी, तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट काफी छोटा है तो हमने उसके इफेक्ट को निग्लेक्ट मार दिया। अच्छा, वो अलग अलग लीस्ट काउंट। हाँ हाँ, इसलिए हमने उसको उड़ा दिया था। नहीं शायद सेम ही था, दोनों स्क्रू गेज ही थे, मीटर लिखा था लेकिन सेम ही लीस्ट काउंट था। पता नहीं, 5, 2, 7, 7, 14, 4, 18, 9 ये आया 0. कितना बना था? 5, 5, 6 मान लो। हाँ, इतने मान ले। अब इनका एवरेज डिफरेंस निकालो, क्योंकि लीस्ट काउंट 0.01 दिया है ना, मीनिंग नहीं है एक डेसिमल एक्स्ट्रा लेने की, इसको हमने ये लिया। अब घटाओ इनको, एवरेज कितना आएगा इसका? 4, 0, 1, 2, 3 दो आया ये। तो ये वैल्यू अपनी आई सॉल्व करने पे ये है ना। अब 0.01 लीस्ट काउंट है, उससे तो ज्यादा ही है, तो हम ये वाला काउंट करेंगे। हां, अब सही आएगा आंसर। ठीक है, अब देखो इससे आंसर क्या आ रहा है। आ रहा है क्या किया सर, बता देंगे एक बार। 256 × 1 इनको इनको वो लिखा एवरेज वाला वो तरीका कि सभी का एवरेज निकाला, तो ये आया था 0.556, तो इसको हमने 0.56 लिख लिया, क्योंकि लीस काउंट इतना है तो डेसिमल के तीसरे डिजिट तक वैल्यू हम लिख ही नहीं सकते। हाँ, राउंड ऑफ किया। अब हमने इसका डिफरेंस निकाला,
एरर निकाली एवरेज, समझ गए? हाँ हाँ याद है, मॉड बाय एन, ये आया 0.02, तो ये हमारा टाइम पीरियड सॉल्व करने पे याद है एग्जैक्ट आया सर 3.57। तो अब टाइम पीरियड का क्या मतलब रहा? ये आया ना, तो टाइम पीरियड में एरर है, डेल्टा टी ए टी ए रिलेटिव एरर आ गया, 2/56 हो गई ना। तो सर परसेंटेज एरर निकालने से पहले हम राउंड ऑफ कर लें चीजों को? नहीं, राउंड ऑफ हमने इसलिए किया क्योंकि ये दे रखा था तो उसके आगे की वैल्यू लिखने का मीनिंग नहीं है ना। अरे वो कैलकुलेशन थे, ये कैलकुलेशन नहीं है यार, मेजरमेंट है। तो ये फाइनल कैलकुलेशन हो गया ना, अपॉन एन कर लिया, हो तो गया फाइनल कैलकुलेशन। नहीं, आपने 0.556 को 0.56 ले लिया। हाँ तो हो गया ना फाइनल कैलकुलेशन, अब तो हम राउंड ऑफ करेंगे ना। मतलब अगले डिजिट पे एक्यूरेसी कैसे आएगी जब इसकी लीस्ट काउंट ही ये है, तो आप इसका आंसर ये कैसे सब्ट्रैक्ट कैसे, वैसे भी देखो वैसे भी समझ में आ जाएगा। ये है जब अनसर्टेनिटी इसी पे है, ये डाउट है, तो अब करोगे राउंड ऑफ, समझ गया ना? ठीक है, समझ आ गया, लाख लिया है ना सर। सर एक चीज पूछनी थी जनरल, वो जैसे सिंगल चॉइस में अगर हमें डेसिमल तक दिक्कत नहीं होती थी, जैसे मल्टीपल में जैसे कुछ डेसिमल ऐसे में दिक्कत आ रही, तो ऑप्शन को चूज करें कि नहीं जब तक एग्जैक्ट नहीं हो? पता नहीं यार, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। मतलब जैसे इसमें, जैसे इसमें डाटा अच्छा था, कैलकुलेशन सही हो गई थी, अब जैसे इसी में थोड़ा बिगाड़ देते हो, 3.57 की जगह थोड़ा कुछ और देकर देते हो, मतलब देखो 3-4% तक है तब तो लगा देना चाहिए, 3-4% तो चलता है ना, चलता है। सर जैसे इसमें दिल्ली में 11 एग्जैक्ट नहीं आ रहा था तो लगा दिए थे क्या, 11 के आसपास आ रहे थे? नहीं, अब एग्जैक्ट कितना आ रहा था, जैसे अब 10.9 है तो लगा दो ना। चलो गैल्वेनोमीटर वाला है ये, हो गया तो चलो। अच्छा क्वेश्चन इसका, अगर अच्छा था वो अच्छा बता दिए। अच्छा, कंसीडर टू आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर एंड टू आइडेंटिकल रेजिस्टर विद रेजिस्टेंस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज R/2 लेस देन R/2, मैक्सिमम वोल्टेज रेंज व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स, दो आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर है, देखो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, जब सीरीज में लगाओगे तो IG की वैल्यू सेम हो, तो ये ड्रॉप आएगा, क्लियर? तो IG की सेम आएगी, तो यहां ड्रॉप आएगा IG into 2RG+2R, दो ही डिवाइस है ना। अब अगर हमने इनको पैरेलल में लगाया होता, से गैल्वेनोमीटर ये है, गैल्वेनोमीटर ये है, रेजिस्टेंस ये, रेजिस्टेंस ये, तो दोनों में से आईजी आईजी, तो अब आईजी इसमें जाएगा, आईजी इसमें जाएगा, है ना? तो अब जो यहाँ रेंज आएगी, रेंज तो गिर कम आएगी, कम आएगी, इतनी रेंज आएगी, मतलब रेंज अगर मैक्सिमम करना है तो करेंट को मैक्सिमम रखो, रेजिस्टेंस भी मैक्सिमम कर दो। करंट मैक्सिमम कब रहेगा? आईजी, आईजी से ज्यादा तो करंट भेज ही नहीं सकते आप किसी में। हाँ। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस आप कब कर सकते हो? जब सब सीरीज में हो जाए, ठीक है। तीसरा केस हो सकता है, हाँ, कौन सा? जब दो रेजिस्टर पैरेलल में हो और गैल्वेनोमीटर रहे। हाँ हो सकता है ना, बाकी बाकी एमीटर की तरह भी यूज कर रहे हैं क्या? हाँ, आप आगरा बॉम्बे बता दीजिए। मैक्सिमम वोल्टेज रेंज व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन टू रेजिस्टेंस एंड वन गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक गैल्वेनोमीटर एंड द सेकंड गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू फर्स्ट गैल्वेनोमीटर, ये उसके सीरीज में थे। आप देखो, अब करंट, अब हम रेजिस्टेंस से 2IG भेज सकते हैं, देखो, तो अब ये रीडिंग आएगी 2IG, ये समझ गया ना? इंटर सर वो एक ही में है। अरे यही है, टू रेजिस्टर्स एंड 1 गैल्वेनोमीटर, व्हेन टू रेजिस्टर्स एंड 1 गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, ऐसा होता तो बड़ा अच्छा था। हां फिर तो ऐसे ही है जो आपने बताया, वो सही है।
नहीं, when two resistors and one galvanometer are connected in series. हाँ ऐसे ही मालूम आगे पढ़ लिया है. यही तो है, यही तो है. हाँ जो आपने बनाया सही है. अच्छा वही है, सही है. तो 2Ig + Ig × Rg ये बनेगा. अच्छा ऐसा. अभी रीडिंग ये आई, पिछली बार रीडिंग आई थी 2Rg + 2R. अब इनमें देखना है कौन सी बड़ी है, तो ये कंडीशन इसीलिए दी गई. समझ गए? तो बॉम्बे वाली बड़ी होगी क्योंकि रेजिस्टेंस बड़ा है, बॉम्बे का इफेक्ट ज्यादा है. अच्छा, तो ए और बी में बी आंसर आएगा. ठीक, सोचो ना बी लगा. चलो अब चेन्नई दिल्ली देखें. चेन्नई दिल्ली हो, सिंपल है. करंट मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिनिमम 11. चले 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 12. मैकेनिक्स तो दिखी नहीं मुझे, पहला क्वेश्चन दिखा मैकेनिक्स, नहीं वो दिखा था रोटेशन वाले, रोटेशन वाला था. तो अभी नहीं दिखी, नहीं दिखी ना, पूरी कर दी यकीन है, पूरा कर दी. तो 11th वाला बड़ी बात है. एक बार काइनेमेटिक्स न्यूटन्स लॉ कुछ ही नहीं दिख रहा. तो 11th वाला पूछना था. 11th में क्या दिक्कत है? तो 11th वाले में दिक्कत ये है सर, उसमें दो क्या बोलते हैं आर और यू वाला पूछा था मैं गलती से, उसमें वो लास्ट वाला पूछ गया था. ये आप Which of the following statement is are true? Voltmeter displays minus 5 volt as soon as key is. अरे की फेज में बना दो सो जाएगा. यही है ना 11. हां आगरा वाला तो as soon as, तो की जो ही हम क्लोज करेंगे ये भी क्या वोल्टमीटर. हां इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तो वो तो लफड़ा ही खत्म है. ओपन सर्किट मानना है, ये ओपन सर्किट है. तो स्विच जब आप शॉर्ट करोगे तो ये वायर बन जाएगा इनिशियली, फाइनली ये ओपन हो जाएगा. और फाइनली ओपन, लेकिन ओपन होने का मतलब, ओपन होने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं, रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है. ओपन होने का मतलब ये है वोल्टेज, रेजिस्टेंस से करंट ही नहीं जा रहा है तो उनको वायर से रिप्लेस कर दो. तो दोनों पे वोल्टेज सेम जाएगा, 5 वोल्ट इस पे आएगा, 5 वोल्ट इस पे आएगा. लेकिन क्या बोलते हैं आप बोलते ना कैपेसिटर खोल के आरसी कैलकुलेट कर लो, दो कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस भी पैरेलल में, तो दिक्कत नहीं आएगी सर. इंडिपेंडेंट सर्किट है, इंडिपेंडेंट सर्किट है दोनों, और दोनों का आरसी सेम है. अलग अलग ब्रांचेस से कर लो, इंडिपेंडेंट सर्किट है और दोनों का आरसी सेम है, इसलिए तो बॉम्बे सही हो गया. नहीं तो दो अलग अलग टाइम कांस्टेंट आते, वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए सॉल्व कर पाए. अलग अलग सॉल्व करके कर देंगे ना, मतलब बिल्कुल फंक्शन लिखते वाला देखिए. ये क्या है, फेज में है क्या? मिस्टेकली प्लेस स्क्रीन एक्स वाई जेड एट दिस एक YDSC student placed two slits with a large opaque plate in XY containing two coherent sources. The student mistakenly placed screen parallel to XZ plane for Z greater than 0 at a distance D equal to 3, midpoint of S1, S2. Between sources, the origin O is the intersection which of the following. ठीक है, माटप्पा. तो यहाँ से हम किसी भी थीटा पे मानेंगे, यहाँ डेल्टा D cos थीटा होगा, डी कॉस थीटा. ठीक है, ठीक है. और कॉस थीटा, और चूंकि डी काफी छोटा है इसीलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं कॉस थीटा. ये समझ गए, आर्क वार्क डाल के लिखते थे डी कॉस थीटा. और कॉस थीटा की वैल्यू हम वाई के टर्म में छाप सकते हैं. अब हमें देखना है डी की वैल्यू है इतनी, है ना, और ये कितना है 600 नैनोमीटर, 6000 एंगस्ट्रॉम. तो ये कितना है 6000 से 600 से कुछ ज्यादा, 100 लैम्डा + λ/2 शायद. हाँ, प्लस डेल्टा बाय 2 आया था, पाई का फेज डिफरेंस 0.5 का आया था. तो 100 लैम्डा 100 की 1000 जो भी हो, पाई बाय 2 का, पाई का डिफरेंस आ गया था, जरूरत ही नहीं है उसकी. हाँ, तो 100000 छोड़ो, अपन कहाँ थे, तो यहाँ पे आया पाई बाय 2 का डिफरेंस. तो ये आ गया, अब उससे कम होता रहेगा ना, तो बस फेज में आ जाएंगे. ठीक है, रीजन वेरी क्लोज टू ओ will be dark. सही है, इसके नेबरहुड में तो डार्क है.
स्ट्रेट ब्राइट एंड स्ट्रेट नहीं सर्कुलर आएंगी याद करना बिल्कुल आसान है ऐसे हाइपरबोलॉइड थे इनका डिफरेंस कांस्टेंट था अब ऐसे काटोगे और ऐसे काटोगे ऐसे में सर्कल कटेंगे वर्टिकल लाइन में हाइपरबोलॉइड हाइपरबोला कटेंगे अच्छा अपनी सिंपल वाईडीएसी में हाइपरबोला था ना हां हां सेमी सर्कुलर तो बॉम्बे बिल्कुल सही है और दिल्ली है ना आगे बढ़े सर वैसे उन्हें मतलब बिल्कुल और मतलब उस पॉइंट के पास पास स्ट्रेट लाइन नहीं मान सकते नहीं सर्कल को कैसे स्ट्रेट लाइन मान लोगे यार नेवर अभी एग्जैक्ट प्लेन में रखा है चले 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 14th का दिल्ली ऑप्शन देख लीजिए एक बार बस हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगी फोर्स हमेशा रोकेगा ही ना फोर्स हां भाई तो हां वो तभी उसका नेगेटिव पॉजिटिव गलत हो गया बिल्कुल फोर्स तो हमेशा रोकेगा ही ना ठीक है स्ट्रेट लाइंस क्यों बने ये क्या प्रोपोर्शनल आया वी के प्रोपोर्शनल आ गया था फोर्स फोर्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय एम ऐसा बनता है ना कुछ अच्छा आंसर से सर ई की पावर समथिंग में आ रहे थे पर उन्होंने मान लिया था ऐसे एक्स के साथ बनाना है ग्राफ एक्स के साथ है ना ग्राफ तो हाँ मैंने ठीक है वो टी के साथ तो है चलो अगले कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाओ शायद कॉम्प्रिहेंशन ये हालांकि इन्होंने समझा दिया है लेकिन पहले बता चुका था फूरियर टू एम रिलेटिव क्रॉस ओमेगा प्लस एक एम ओमेगा स्क्वायर आर ये सेंट्रीफ्यूगल है ये कोरियोलिस दो सीडो होता है ना अब क्वेश्चन में अब देखते हैं आगे क्या पूछा है मेरे ख्याल से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है नहीं है मुझे लगता नहीं ओमेगा स्मूथ है ना सरफेस हां फंसा के रखा है अच्छा लास्ट लाइन पढ़ लीजिए थोड़ी आर बाय 2 पे अरे इसमें एक कोरियोलिस वाला बता दीजिए अभी तो बोला तो मेरा नेट कनेक्शन चले गया ये फॉर्मूला होता है फॉर्मूला होता है हां वो याद है ये कोरियोलिस हां सॉल्व करके आता है ना बस कोरियोलिस का इतना ही जरूरत है अभी हमारा काम ये चल रहा है कि अगर हमने इसको आर बाय 2 से छोड़ा तो किसी भी समय पे इसकी वेलोसिटी तो हम इसको स्टॉप कर दें इसकी वेलोसिटी किसी भी समय जब ये एक्स डिस्टेंस पे होगा इसकी वेलोसिटी बाहर होगी होगी अब इस पे फोर्सेस होंगे एक स्यूडो एफ सेंट्रीफ्यूगल ओमेगा इसका अगर इधर था तो भी रिलेटिव क्रॉस ओमेगा स्यूडो हमारा नीचे आएगा सही F कोरियोलिस है ना अब नॉर्मल रिएक्शंस भी आएंगे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक और होगा एक इसको बैलेंस करेगा ये फील आ रहा है दो आएंगे नॉर्मल एक नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा एक ग्रेविटी एक इसकी ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए आएगा mg वाला तो वो तो कट गया सिर्फ इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल ही है तो यहां m ओमेगा स्क्वायर r आर आर को एक्स लिखूं ये एम भी डी वी बाय डी एक्स है बिल्कुल तो इसको सिंपलीफाई कर दो वी डी वी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स तो वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय टू बाय टी ये वेलोसिटी आ गई बिल्कुल एक जुगाड़ ये थी कि कोई भी प्लस टू ले सकता था एक में आगरा लगा दो एक में बॉम्बे लगा दो एक से निकाल के दूसरे में छाप दो नहीं 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 ऊपर वाले में या तो e की पावर समथिंग वाले आंसर्स हो सकते थे और नीचे वाले में भी e की पावर समथिंग वाले क्योंकि हाँ. नीचे वाले क्वेश्चन में ना cos थीटा वाली मतलब mg का फैक्टर देख के ना वो कुछ रिजेक्ट हो गया था हां mg का तो कंपोनेंट वो k कैप ही आएगा नेट रिएक्शन
तो कॉशिटा हो नहीं सकता, पी आएगा तो कॉशिटा सेंटिटा हो नहीं सकता, मतलब ई की पावर समथिंग के ही सारे आंसर्स हो, तो नीचे देख के ऊपर लगा लो, तो ऊपर में से एक पकड़ लो 2 ई की 2 ओमेगा टी वाला, बच्चों ने ऐसे ही सॉल्व किया था, बच्चों सॉल्व हुआ नहीं था सेकंड पार्ट, क्योंकि कोरिओलिस जिसको पता होगा वही कॉन्फिडेंट होगा, नहीं तो वो तो छोड़ ही देंगे बच्चे, कोरिओलिस ने नो मार दिया था, इनसे आंसर तो आ गया था, चलो पहले का तो शायद आगरा आ गया था, आगरा आ गया था हां। अब नेट रिएक्शन अपनी जैसे मैंने बोला था यही तो निकालना है, N1 और N2 दोनों का अंडर प्लस, ये हमारी Mg आ गई और ये N1 हमारा आया था 2m ओमेगा क्रॉस v रिलेटिव, है ना, तो 2m ओमेगा और v रिलेटिव खुद हमारा गंदा सा आया था कितना, ओमेगा x स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट, यही आया था, समझ गया, बोलने के लिए फोर्स रिस्पांस वाला, ठीक, तो ग्राउंड फ्रेम में देंगे ना ये, अच्छा दो N1 देगा तभी तो कर्व्ड पाथ आएगा ग्राउंड फ्रेम में, पानी तो मोड़ कैसे रहा, सही बात है, तो इसका आंसर आ गया Mg k कैप और ओमेगा टी आगरा या बॉम्बे में से एक है, ओमेगा टी पहले वाले से देख के ओमेगा टी तो आ ही रहा है, तो ये ऐसा कैसे बन जाएगा, तो बॉम्बे एक में देख लिया तो ओमेगा टी, एक में 2 ओमेगा टी लगा दिया तो प्लस 2 आ गया, तो वैसे हां आपने बोला था कि अगर एक के फ्रेम में स्ट्रेट लाइन तो दूसरे के में कर्व, बिल्कुल सही है, चलो आगे बढ़े अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था 18th में मिक्स कर 18th वाला क्या कहता हूं, फिर भी क्वेश्चन अच्छा था, मैं फिर भी एक 18 सर 18 18 बता दो आप 18 जीरो टू बनना था, एक भी पूछोगे पर क्वेश्चन तो विल बिकम अ हॉरिजॉन्टल ग्राइड बॉल, ठीक है, तो यहां से बॉल एक्सीलरेट कर रही है तो यहां एक इलेक्ट्रिक फील आया कितना e / a, है ना, तो यहां से यहां टाइम कितना लगेगा इनको कवर अप करने में, अंडर रूट 2 l / एक्सीलरेशन - mg q / m E by M, Q E कितना है? V by L. Acceleration में mg नहीं लेकिन मतलब M. Mg mg का कोई रोल नहीं है. Neglect करने हैं. Gravity. चल. Time taken तो ये. है ना? हाँ ठीक है. जो ही ऊपर जाएंगे ये charge लेंगे और फिर और ये तो समझ में आ गया होगा कि जो ही ऊपर जाएंगे कितना चार्ज फ्लो किया कितनी देर में, तो इस पे चार्ज कितना आया इस पे सीधी चार्ज, ये है चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने में टाइम कितना ले रहा है ये, तो एवरेज करेंट कितना है, एवरेज चार्ज फ्लो चार्ज फ्लोन बाय टाइम टेकन, तो चार्ज फ्लोन कितना है सी वी नॉट, टाइम टेकन कितना है एल स्क्वायर बाय क्यू वी, अब ये चार्ज की वैल्यू एक मिनट, ये आंसर मेरा थोड़ा अलग सा क्यों लग रहा है, क्या चीज मिस कर दी, चार्ज क्यू सी वेरिएबल नहीं, चार्ज क्यू तो हमारा एन इनटू सी वी नॉट ही आ जाएगा, n मतलब नंबर ऑफ बॉल्स, हां नंबर ऑफ बॉल्स कैसे निकालेंगे ये कैसे पता चला, ये देखिए वो मे बी n मान लेते हैं ना हम कुछ भी, नहीं तो नंबर ऑफ बॉल्स का कम चाहिए क्या, नंबर ऑफ बॉल्स की जरूरत है तो बस करंट ही तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब वही तो हमें निकालना है ना एवरेज करंट इन स्टेट विल बी, ओके किसके प्रोपोर्शनल है ये पूछा है, हां तो टाइम तो टाइम के इनवर्स के प्रोपोर्शनल होगा, है ना, लेकिन वोल्टेज तो वोल्टेज का फैक्टर इसमें भी आएगा, तो आंसर में ये V नॉट पे 3/2 क्यों आ गया, V नॉट कांस्टेंट नहीं होगा ना, V नॉट तो कांस्टेंट है ना, होगा ना रेट तो नहीं सर, जो हमारे Q है ना वो भी CV नॉट हो जाएगा ना, जो स्मॉल क्यू है वो नंबर ऑफ बॉल्स इनटू सी वी नॉट, ओके ओके ये क्यू तो हम लिख ही नहीं रहे ना, ये क्यू हां ये क्यू भी चार्ज की नॉट है, हां सही है, अगर वो ऊपर जा रहा है चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है और हाई वोल्टेज है, जो इन छोटे मोटे चार्ज के बदलने से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी नहीं, तभी उन्होंने हाई वोल्टेज कहा है ना। आपने बॉल को कांस्टेंट की तो अरे पूरी बॉल सुपर पहुंच जाएगी पहले, हां फिर वापस नीचे। क्या आपने अज्यूम ये कह रहा है एक ही डायरेक्शन में गई सारी बॉल? हां बॉल का सीधी था, कुछ ऐसा हो रहा कि जो पहुंचती लौट के मैं नहीं समझ रहा, नेगेटिव चार्ज वापस आएगा तो उधर अगर पहुंच गए तो चार्ज दूसरा वापस आएगा ना, टोटल चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कितना टाइम लेगा अगर ये कह रहे हो कि हम ऐसा माने कि ये इंडिपेंडेंट सब फ्लो कर रहे हैं ना, कि इसको एक ही बॉल मान लें, एक ही बॉल यहाँ से यहाँ जाती और वापस आती, यही कह रहे हैं? ये कह रहा, ये कह रहा। लेकिन यहाँ से चार्ज भी कितना पैदा होगा वो भी वोल्टेज की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये बॉल रख दी क्या, बॉल रखी हुई है, बॉल रखी हुई है, बॉल रखी हुई है तो क्यू की वैल्यू नहीं, अरे ऐसा होगा ना मेटलिक बॉल है ये पक्का यूनिफॉर्म, तो बस बस ठीक है, तो वही है ना, अरे ये ऐसे आ गया, रुको रुको अभी समझ गया। देखो ये बॉल जब इसके कांटेक्ट में है तो इसका वोल्टेज अगर वी नॉट है तो बॉल का वोल्टेज भी वी नॉट है, तो बॉल का चार्ज ये है, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू आर वी नॉट बाय के, समझ गए ना, तो बॉल का चार्ज कितना है वो इस पे डिपेंड कर गया ना, यही चार्ज लोअर करते हैं, बॉल का एक्सीलरेशन से, सर बॉल का चार्ज कांस्टेंट नहीं हो जाएगा? नहीं, हाँ तो बॉल का चार्ज कांस्टेंट है, कौन मना कर रहा है, वो कोलिजन के आधार इंस्टेंट पे चेंज नहीं होगा, किससे कोलिजन, अरे या तो चार्ज इतना है या इसका नेगेटिव है, क्योंकि ये वोल्टेज वी नॉट है, ये वोल्टेज जीरो या माइनस वी नॉट मान लो, हाँ या इसको वी नॉट बाय टू, इसको माइनस वी नॉट बाय टू, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, है ना, तो इस पे प्लस आएगा इस पे उतना ही माइनस आएगा, इस पे ये आएगा इस पे ये आएगा, ये दोनों अपोजिट में फ्लो करके छोड़ देंगे, ठीक है, समझ गए, ठीक है ठीक है, चलो एक आप पेपर वन खोलेंगे, अरे यार अब क्या फिजिक्स नहीं, नीचे अच्छा क्यों बोल रहे थे, लास्ट केमिस्ट्री में जाएंगे आप, मैं अभी भी बोल रहा हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है लास्ट वाला, कितने मार्क्स आने चाहिए फिजिक्स में नेट में पता नहीं, देखो ये वो पेपर जिसमें 100 नंबर पे 100, देखो 105 नंबर पे भी बहुत अच्छी रैंक आई थी, टोटल 105 है फिर एक पेपर में, टोटल 105 पे मजाक कर रहे हो, रियली रियली, हां 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 कम गया था कि टाइम में बहुत सारे पेपर आ गए, 150 नंबर पे 500 रैंक थी, 200 नंबर पे 500 रैंक थी, नहीं 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 लेकिन यहाँ बहुत डिप हुआ था फिर, सही तो है मैं, हाँ 100 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था, कितने आने चाहिए थे सर, 100 नंबर पे 10,000 के आसपास थी, अब वो 10,000 आते तो अभी याद नहीं कर रहे थे, कितने आने चाहिए थे सर 2017 के पेपर में, कितना आना 2017 ये तुम सोच पाए थे कि क्यों के वी नॉट बाय आर है सेकंड पार्ट में, हाँ मतलब वो मेटालिक स्फीयर था ना, ये मतलब बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, तो ठीक है तुम्हारे लिए नहीं है टॉपर, अरे सर वो कैपेसिटर तो होगा, सही मैंने कैपेसिटर, अरे भैया लेजेंड, चलो आगे
चलो सर सर एक मिनट, इसमें नीचे नीचे क्वेश्चन है 25 वाला कर रहा है, देख 25 किसमें? केमिस्ट्री में, इसी पेपर में केमिस्ट्री में, हां फिजिक्स का एटॉमिक वाला तो डिस्कस नहीं हुआ अभी सर, नहीं पढ़ा मैं एटॉमिक का, एटॉमिक का कर एटॉमिक से उसमें पूछा करूं कौन सा क्वेश्चन 25 मिल जा 25 मिल जा मिल जा मिल जा वो तो बहुत 25 प्लॉट ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगेंस्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस नॉन मिलियनली फॉर एन अनस्टेबल न्यूक्लियस पॉसिबल मोड्स ऑफ डिके. हाँ देखो ये ऐसा था, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर वाली लाइन है, ये ऊपर है ये नीचे, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशो 1 है, मतलब न्यूट्रॉन आर लेस प्रोटॉन आर मोर, तो प्रोटॉन विल गेट कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गए? न्यूट्रॉन में तो क्या आया, पॉजिट्रॉन डिके होगा, बीटा प्लस डिके होगा, बीटा प्लस डिके क्या है, बीटा प्लस डिके या ये इधर ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी हो सकता है, बस न्यूट्रॉन बढ़ा दो, बीडी सर सब ये क्या है, स्टेबिलिटी के लिए ऊपर आना चाहिए था, चेन्नई में क्या दिक्कत थी उसमें, तो बड़ी नहीं न्यूट्रॉन एमिशन, बस ये तो और नुकसान हो जाएगा, रेशो और कम हो गया, प्रोटॉन एमिशन होता तो मैं मान लेता, हां हमेशा हम और बढ़ाना चाहेंगे ना रेशो, घटाना थोड़ी चाहेंगे, मतलब एक मिनट सुनो, बुकलेट पे जरा देखना, एक ऐसा फिगर बना है जिसपे डॉट 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 कुछ भी बना है, बुकलेट में आपने बताया कुछ याद तो आ रहा है, उसमें लिखा है न्यूट्रॉन डिके भी लिखा है, कहां होता है ये भी लिखा है, ये भी सब लिखा होगा, देखो एक बार पढ़ लेंगे, एक बार ऐसा पैराग्राफ बना था है ना, एक डॉट डॉट लाइन बनी, हां ठीक है देख लेना, समझ आ गया न्यूट्रॉन में मिल जाएगा सर, एक बार न्यूट्रॉन एमिशन मतलब न्यूट्रॉन सीधा बाहर निकल जाता है न्यूट्रॉन डिके में, हां मतलब ये शादी से मीटिंग अटेंड कर रहा है, हाँ सर मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, कल कल पेपर है ना तुम्हारा, क्या 2 मिनट टेलीग्राम खोल लो, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ सर, आप टेलीग्राम पे ऑनलाइन आ जाया करो, अरे मैं बीमार था, मैंने मैसेज नहीं किया था तुम लोगों को, नहीं पहले की बोल रहा हूँ, ये भेजा है, अरे हर दूसरे दिन तो मिल रहा है यार तुमको, सही में यार ऑनलाइन आ जाए करो, ऑफलाइन आ जाए करो, एक्सेस तो कर लो ये वाला बता दो सर, प्रोबेबिलिटी बहुत गंदी निकल रही थी, क्या प्रोबेबिलिटी बहुत गंदी आ रही थी निकालने का, बिट्स का फॉर्म भरना है, हां ओके, मतलब वो डिपेंड करता है बिट्स में, मतलब बिट्स पिलानी काफी अच्छा कॉलेज है, मैं इसलिए कह रहा हूं, हां ये तो अच्छी है, फीस अच्छी है लेकिन वर्थ है उसकी, एवरेज सैलरी देखने लगते किसकी कितनी है, आखिर में वही है, कितना बड़ा क्वेश्चन है रे, इतना बड़ा मैं नहीं करूंगा, नहीं नहीं वो सीएमपी है पूरा, आप बता दो इसको प्रोबेबिलिटी निकालना, बता दो काफी गंदा, एबीसीआर 3 सेट्स, ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, बी इज अ सबसेट, ठीक है, कंटेन्स 3 सबसेट ऑफ एक्स, कंटेन्स वे सिलेक्टिंग 3 सबसेट होगा, कुछ नहीं पढ़ूं, नहीं पढ़ता हूं, यहां से आ जाए सीधे, हाँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज सुपर सेट ऑफ दिस, तो ये चीजें तीनों में आनी चाहिए और ए बी सी इक्वल भी होनी चाहिए, तो ये तो हो गया होगा, एक को ही सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्शन तो हो गया था, ये पहला तो हो गया, चलो दूसरे में ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू 3, 4, 5 होनी चाहिए, तो ऐसे सोचो हर एलिमेंट के पास 8 ऑप्शन है, याद है 8 माइनस 1 आठ ऑप्शन है, इनमें से एक ही ऑप्शन है जब वो यूनियन में नहीं आएगा, हाँ. है ना, तो 7 ऑप्शन होंगे जब वो यूनियन में नहीं आएगा, हाँ, तो यूनियन में आएगा, एक ऑप्शन में यूनियन में नहीं आएगा, बिल्कुल बिल्कुल,
है ना, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो 3 4 5 में 3 4 5 को हम 7 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 7 7 और बाकी हाँ, को एक तरीके से। ये बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। सही आंसर नहीं आ रहा है क्या? नहीं, ये सही है। मेरे को प्रोबेबिलिटी पूछनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ और पूछिए। किसकी? अपॉन टोटल? नहीं नहीं, इसमें प्रोबेबिलिटी कुछ और है, इसमें अलग अलग इवेंट्स हैं। अब पढ़ना है क्या इसके? ओके, ये ई और इवन डिफाइन किए हैं फिर। कॉलम वन कंटेन्स टाइप ऑफ 3 सबसेट, कंटेन्स नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अकॉर्डिंग टू कॉलम वन। तो पहला तो हो गया सीधे सीधे 7 क्यूब। हाँ ये सही है बिल्कुल, 7 क्यूब। कंटेन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ई बाय ई वन और पी ई बाय ई टू, 3 सबसेट ऑफ एक्स। क्या है ये, कौन बनाता है इतना लंबा? सेलेक्टिंग 3 सबसेट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू कॉलम वन। ठीक है, ये तो टोटल हो गया है ना, टोटल ई वन सेलेक्टिंग 3 सबसेट्स ए इंटरसेक्शन बी ई टू। हाँ तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, मतलब बेस थ्योरम हो गई उल्टी। तो पी ई बाय ई वन है ना, तो हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, तो हम इसको क्या करेंगे कि ई बाय ई वन निकालना मुश्किल है, ई वन बाय ई निकालना आसान है। तो हम क्या करेंगे, पी ई इंटू पी ई वन बाय ई, बेस थ्योरम ही लिख रहा हूं, पी ई वन इंटू पी ई बाय ई वन। सही है, ये दोनों इक्वेट कर दें। ये क्या तो ई, अच्छा सही बात है, सही है, सही ई इंटरसेक्शन ई वन को दो तरीके से लिख दिया ना। हाँ सही है, सही है, सही है। तो पूछा क्या है हमसे, ई बाय ई वन, ई बाय ई वन तो इज इक्वल टू पी ई वन बाय ई इंटू पी ई बाय पी ई वन। ये सही, ठीक, हाँ ये सही है। तो अब पी ई वन बाय ई कितना बनेगा, तो ई घटना घट चुकी है, मतलब ये हम सिलेक्ट कर चुके हैं 3 4 5। अब ई वन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 आ जाए, तो ए यूनियन बी यूनियन ये है, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 आ जाए, ये तो ये केस हो गया है ना। पी ई ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं और पी ई वन हमें निकालना है, तो इसी को मैं एन ई बाय एन ई वन भी लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, एन ई 273 था, 243 था, 343 एन, हाँ 343, हाँ ठीक है। एन ई वन, एन ई वन कितना था, ई वन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 होनी चाहिए, तो ये 5 को नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो एन सी 5 टोटल एलिमेंट कितने हैं, 10c5, 10 में से 5 है, 5 चुनो, उनको उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉट, 2 तरीके से। हाँ। बाकी को सबको हम 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सही बात है, हाँ सही बात है, मिल गया। हाँ सही बात, और ये तो निकाल ही लोगे। हाँ समझ गए तरीका ये। हाँ कर लेंगे, बस अप्रोच यही थी कि इनको हम एन से रिप्लेस कर देंगे और ये इवन बाय ई आसान हो जाएगा क्योंकि ये इन्होंने काफी छोटा डोमेन कर दिया। हाँ समझ गए, वही और तरीका वही यूज करो, ए बी सी वाला। हाँ इसमें ए बी सी वाला तरीका था, इसमें अपन ने ये केस बनाए थे कि 3 4 5 के लिए अपन ने केसेस बनाए थे। किस पार्ट, इसके किस पार्ट के कैलकुलेशन में, कोई भी मान लो, जैसे हाँ। बॉम्बे वाली कर रहे थे ना, बॉम्बे वाली मान ली, जैसे 3 4 5 के लिए अपन ने केसेस बनाए थे कि वो किस किस के वो किस में जाएंगे। अगर अपन उल्टे केस बनाते कि ए बी सी में कौन से जाने चाहिए, तो उससे बेकार जा रहा था, वो गंदा जाएगा यार उससे, वो तो ये होता ही हमेशा ही कि आप उल्टा सेलेक्ट करोगे तो गलत हो जाएगी, वो तो वही है, आदमी ज्यादा कुर्सी कम, तो हम आदमी सेलेक्ट करते हैं, कुर्सी सेलेक्ट करने में गंदा बनेगा। ऐसा एक चीज पूछनी थी, एक पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का सेंस नहीं होता ना, पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का सेंस होता है, ये फॉर्मूला लगाना है। ये होता है
r वेक्टर उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है, लेकिन जनरली हम इसका कंपोनेंट पैरेलल टू एक्सिस लिखते हैं। सर जैसे वो जो रोलिंग वाला क्वेश्चन था, पॉइंट के अबाउट टॉर्क भी तो होता है r क्रॉस f। हाँ हाँ, तो वैसे ही जो रोलिंग वाला क्वेश्चन था जो ओमेगा 5 वाला, हाँ, तो उसमें भी COM के अबाउट हमें लेना था एंगुलर मोमेंटम। हाँ, तो उसमें ऐसा क्यों नहीं लिखते थे? हाँ, r क्रॉस f, उसमें ये बहुत मुश्किल हो रहा था लिखना, क्योंकि ये हम पॉइंट मास के लिए लिखे, हां भाई वो बॉडी एक्सटेंडेड मास के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसी पॉइंट के अबाउट लिखना। लेकिन इस एक्सिस के अबाउट तो नहीं आसान, तो इसी पॉइंट से पास हो रही हो तो पॉइंट के अबाउट तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी ना। सर आज हमने एक वो काइनेटिक एनर्जी अबाउट पॉइंट के लिए भी यूज किया था, हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस का आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी पॉइंट के अबाउट नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी फ्रेम के अबाउट होती है, असली होती है। पॉइंट के अबाउट कब से होने लगी? सॉरी, फ्रेम के अबाउट। हाँ, तो ग्राउंड फ्रेम तो... में लिखी थी। अच्छा, ठीक, ग्राउंड फ्रेम में लिखी थी। दो टर्म आएंगे, एक सेंटर ऑफ मास वाला और एक रोटेशन वाला। ओके, बट अगर हम एक रॉड को एक हिंज के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो उसमें तो हमारा वी सेंटर ऑफ मास का रोल आता है। हम पॉइंट के अबाउट नहीं लिख रहे हैं, आता है, कैसे नहीं आता? उसमें तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ही आ जाता है ना डायरेक्ट। अरे यार निकालो, उससे सेम नहीं बनेगा, ये ओमेगा एल बाय 2 है, जोड़ना दो टर्म। उसमें भी अगर हम रॉड के अबाउट सिर्फ ओमेगा मान के लिखते हैं तो ये 1/12 एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा एल बाय 2 का होल स्क्वायर ऐड करो, कितना बना? कहाँ भेजा? ग्रुप पे, ग्रुप पे, ग्रुप पे, ग्रुप। क्रॉस सेक्शन दोनों में कवर लिए, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन यंग्स मॉडुलस, जीरो ऑफ द वन ईयर स्केल 3.2 3.28 डिवीजन, वन ईयर स्केल लाइज बिटवीन दिस एंड दिस 45th। हां क्या, हां क्या दिक्कत है, क्या कह रहे हो सर? जो अपन डी ऑफ l1 माइनस l2 लिखेंगे, दो लेंथ मेजर कहां की हमने, तुम ये बताओ पहले। किया है ना, जो मतलब जो अपना डेल्टा एल आएगा, एक्सटेंशन आएगी, उसका उसमें जितना एरर आएगा वो लिखेंगे, तो डी ऑफ डेल्टा एल1 माइनस डेल्टा एल2 लिखेंगे। देखो वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन दिस एंड दिस है ना मेन स्केल के, ठीक है, 28 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद वन ऑफ मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, तो इससे हमने रीडिंग ले ली 3.20 और प्लस समथिंग एक रीडिंग आ गई। व्हेन एन एडिशनल लोड, एक मिनट, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, दो रीडिंग, दो ही तो ली, टोटल लेंथ ही तो हमने निकाली, कितनी बार घटाओगे चीजों को? अब तुम क्या कहना चाह रहे हो सर? सारी चीजें इसमें कांस्टेंट है, बस जो एक्सटेंशन है दोनों केसेस में वो अलग अलग होगी। हाँ तो इसकी एक्सटेंशन हमने निकाली, रीडिंग आ गई है ना, 28 डिवीजन कोइंसाइड्स विद मेन स्केल डिवीजन, लीस्ट काउंट कितना है यार? 0.0 10 रे टू माइनस 5 और एल टू आया 3.20 इंटू 10 पे माइनस 2 प्लस 45th। अब बताओ क्या कहना चाह रहा हूँ सर? इसमें जब अपन एक्सटेंशन इसमें अपन अपनी दोनों की आ गई, हाँ तो डिफरेंस आया 25 इनटू 10 पे माइनस 5 प्लस माइनस 10 पे माइनस 5 जो पर, हाँ ये तो डिनोमिनेटर में आएगा है ना, ये आया ना, ये एल है, ये एक्सटेंशन है, ये एरर इन एक्सटेंशन है, प्लस माइनस 10 के पर माइनस, प्लस माइनस क्यों करोगे भाई? एक मिनट, प्लस माइनस ये एग्जैक्ट वैल्यूज आई है। अच्छा हाँ,
ये तो वैल्यूज आई इनको क्या मैन, तुम ये कह रहे हो कि हमने दो लेंथ घटा, मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि हमने दो मेजरमेंट घटाए, यही कह रहे हो ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, तो इनटू 2 इनटू 10 की पावर माइनस 1, हाँ तो ये कह रहे हो कि ये बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो दो लेंथ का डिफरेंस किया है तो ये प्लस माइनस 10 पे माइनस 5 इसमें था, प्लस माइनस 10 पे माइनस 5 इसमें था, तो डिफरेंस 25 प्लस माइनस 2 इनटू 10 पे माइनस 5 आना चाहिए, ऐसा ही बिल्कुल आना चाहिए, होना तो यही चाहिए था। तो फिर इसका आंसर 8 आएगा ना, तो इन्होंने नहीं लिया ये, इसके 4 लेना चाहिए, नहीं इन्होंने ये नहीं लिया था, हाँ लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। असली में क्या होता है, सल्स एपरेटस में दो रीडिंग लेते ही नहीं, सल्स एपरेटस में होता है सिर्फ एक ही रीडिंग लेते हैं, मैंने बताया सल्स एपरेटस, सीधा एक ही रीडिंग लेते हैं जिसमें लेंथ लेते हैं, हाँ आठ लगाएंगे, आठ लगाना चाहिए बिल्कुल। 2016 की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा, 16 की अभी तो यही तो चल रही थी वो सर, भेज देना 15 की कहां पता नहीं कहां गई, मिली नहीं रही मुझे, तो तुम लोग आते क्यों नहीं रहे 15 के बाद में रिकॉर्डिंग मांगते हो सर, वो आपने 7 बजे रख दी थी ना उस दिन क्लास में, बोला 7:30 बजे तो मैं लेट ज्वाइन किया था, ओके चलो कर दूंगा अभी मैं, ढूंढूंगा जल्दी शेयर कर दें सर, नोट करना था थोड़ा कोरिलेशन वाला पार्ट सर, रिकॉर्डिंग ही जरूरत पड़ती है सर, सब बाद में का पेपर दोबारा देखना, मतलब देखना पड़ता है जब मैं लिंक बनाता हूँ तो रिकॉर्डिंग हो जाती क्योंकि ऑनलाइन चली जाती हो, हाँ कोई और बनाता है तो बेहतर है वो रिकॉर्डिंग चालू करते पहले और अपलोड कर दे, ये सारी डेट वाइज चली है, कहाँ पिछले साल की नहीं इसी साल, तो इसी साल की तो 15 का मैंने अपलोड ही नहीं की, कहाँ से डिली होगी, कोई और लिंक बनाएगा सर वो अपलोड करके फाइल ग्रुप पे डाल देगा, चैनल पे डाल देना, हाँ ग्रुप पे डाल देगा, मैं चैनल पे डाल दूंगा, सही है वो यार, क्या होता है कि ये मेरा वर्किंग कंप्यूटर दूसरा है और ये दूसरा है, तो इस कंप्यूटर पे रहती है फाइल, फिर मिलती नहीं, वो सर 12 की भी देख लेना, वो भी 12 की पता नहीं मिलेगी क्यों, लास्ट ईयर वाली देख लेना, उसमें भी सारे क्वेश्चन कर ही दिए, लास्ट ईयर की कहाँ है रिकॉर्डिंग, लास्ट ईयर की है उस पेपर से, तो तो 2012 मिल जाए तो अच्छी बात है, 12 की डाल तो दी थी मैंने ग्रुप पे, डाल दी थी, अच्छी बात है, चलो मैं ये एक मिनट रिकॉर्डिंग अब बंद करूंगा, तब तो होगी, अब क्या बंद करते हैं फिर 1.5 घंटे बाद तो वो उसको कन्वर्ट करता है वो, चलो तो ठीक है अपन मिलते हैं फिर परसों, है ना, बाय बाय, फिजिक्स पे मजा आ गया था।